हेलो हेलो। हाँ हेलो हेलो हेलो। करना लाइफ मेरे को ही नहीं दिख रहा है। मेरे को क्यों नहीं दिख रहा? आया अभी। हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज कंफर्म एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू, देन वी विल गेट स्टार्टेड। हेलो हेलो ग्रेट। ठीक है, फाइल का नाम वगैरह डाल दिया ना? ठीक है, वो बस रिंग लाइट्स का इफेक्ट थोड़ा कम लग रहा है, वो देख लेना। हेलो हेलो। ठीक है, तो थोड़ा रिंग लाइट साइड में कर दे एक, लाइट का इंटेंसिटी इंक्रीज कर दे मेरे हिसाब से। हाँ बराबर है, कर दे स्टार्ट। ओके चलो, कैन वी गेट स्टार्टेड गाइस? सुरेश को कॉफी और पानी बोल देना। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। नाउ लेट मी गिव यू एन फर्स्ट ओवरव्यू दैट हाउ वी विल प्रोग्रेस विद द एंटायर बैच। पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको पहले कुछ मिनट्स में अच्छा अंडरस्टैंडिंग देता हूं एंड देन विल गेट स्टार्टेड ऑब्वियसली। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम अज्यूमिंग दैट इफ यू आर अटेंडिंग फास्ट ट्रैक लेक्चर्स, मतलब आपने ऑलरेडी एक बार कभी ना कभी तो ऑडिट पढ़ा होगा। दिस इज एन असम्पशन। मतलब इफ यू आर थिंकिंग दैट यू विल अटेंड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन अंडरस्टैंड डायरेक्टली, थोड़ा मुश्किल है बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है। फास्ट ट्रैक में हर चीज वर्ड बाय वर्ड इन एक्सट्रीम डिटेल कवर ना पॉसिबल नहीं होने वाला है। ये अजम्पशन है कि आपने एक बार एटलीस्ट सब्जेक्ट पढ़ा होगा, मे बी कोई अटेम्प्ट के लिए एग्जाम लिखा होगा, मे बी हो सकता है 6-8 महीने पहले पढ़ा होगा, May 23 लिखा होगा, दैट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम विथ मी, बट एटलीस्ट एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो अपना अजम्पशन है। अब सबसे पहले आपके नए सिलेबस में, दैट इज May 24 में, आईसीआई का ओवरऑल सिलेबस क्या बोलता है, व्हाट ऑल चैप्टर्स वी हैव, क्या क्या चेंजेस हैं, उन चेंजेस को हमने अप्रोच कैसे करना चाहिए, एंड नए सिलेबस का उन्होंने जो सेक्शन वाइज वेटेज दिया है उसके हिसाब से हमारा ओवरऑल सब्जेक्ट के लिए अप्रोच क्या होना चाहिए, वो आपको बताएंगे। सो इफ यू कम हियर एंड सी दिस, दिस इज योर लिस्ट ऑफ चैप्टर्स एज पर आईसीएआई न्यू सिलेबस। यू हैव इन टोटल 11 चैप्टर्स नाउ एज पर May 24, दैट इज न्यू सिलेबस ऑफ आईसीएआई। ये अपने मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर एक इंडेक्स रहेगा, वहां पर लिस्ट रहेंगे सारे के सारे चैप्टर्स का, 1 to 11, एंड दिस इज द सीक्वेंस एज पर न्यू आईसीएआई मॉड्यूल। अब देखो ऑडिट के अंदर सबसे पहले लॉट ऑफ पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन कि सर इंटरमीडिएट लेवल पे तो एसेस है ही नहीं, सिर्फ चैप्टर्स है। चैप्टर्स को एसेस से बनाया गया है, इंटर के अंदर भी ऐसा ही होता है, फाइनल में भी ऐसा ही होता है। रिमेंबर मेजर पार्ट ऑफ ऑडिटिंग इज ऑलवेज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, बिकॉज वो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट करना सिखाएगा, बिना स्टैंडर्ड्स के वो सिखा नहीं सकता है। बट चैलेंज ये होता है, हमें पता नहीं होता है दैट कौन से चैप्टर में स्टैंडर्ड्स हैं, कहां पर हमारा स्टैंडर्ड्स वाला अप्रोच चाहिए, कहां पर स्टैंडर्ड्स नहीं है, जनरल चैप्टर है, बिकॉज दोनों के लिए अप्रोच अलग अलग होता है। इन केस ऑफ अ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कैन बी वेरी ट्रिकी कि वो एक सिचुएशन देगा, समझना पड़ेगा कौन सा स्टैंडर्ड है, कैसे उसको अप्लाई करना है, वहां पर क्वेश्चन समझना मुश्किल होता है। एंड जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर्स होते हैं कि जहां आपको बोल देगा
आपको पेएबल चेक करना है, रिसीवेबल चेक करना है, वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको पहले ये बाइफर्केशन पता होना चाहिए कि मेरे 11 चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स में एसेज हैं एंड कौन से चैप्टर्स आर लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड मिसलिनियस कैटेगरी चैप्टर्स, जहां पर स्टैंडर्ड्स का अंडरस्टैंडिंग काम में आएगा बट मेरे को पढ़ाई करना पड़ेगा। लिटरली चैप्टर के अंदर अलग अलग क्वेश्चन क्या पूछ सकता है और मुझे क्या आंसर देना चाहिए। तो मैं आपको उसी का एक पहले पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू देता हूं। विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट रैंडमली पढ़ना शुरू करोगे, सिलेबस बहुत वास्ट है, समराइज वर्जन में भी 600 पेज है। डू यू गेट माय पॉइंट? मतलब एंड देयर इज नो शॉर्टकट, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज़ लिटरली आप में से कुछ बच्चों ने लास्ट अटेम्प्ट का पेपर देखा भी होगा एंड उसके पहले भी अगर आप नोटिस करेंगे, इट यूज्ड टू बी अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर वंस अपॉन अ टाइम व्हेन इट वाज वेरी इजी टू प्रिडिक्ट। ये क्वेश्चंस आएंगे, आप उनको याद करके जाएंगे एंड द थिंग्स वर सॉर्टेड। नाउ इट्स नॉट द केस, इन एवरी अटेम्प्ट देयर इज अ सरप्राइज एलिमेंट एंड MCQs and correct incorrect also specifically are asked from really specific corners. तो इसके लिए आपको बहुत अच्छा preparation, detailed understanding होना जरूरी है। Is that clear to you? तो सर ये 1 to 11 जो है इसमें bifurcation क्या है, notice कीजिएगा मेरे साथ में। Chapter number 1 says नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑनेस्टली ये एक बेसिक सा चैप्टर है जो पहले भी था ओल्ड सिलेबस में, नए सिलेबस में भी एज इट इज कंटिन्यू किया है, बट इस चैप्टर में क्या कर दिया, लैंग्वेज बहुत चेंज कर दिया। लाइक स्कोप ऑफ ऑडिट पहले भी था, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट पहले भी था, बट अंदर का जो कंटेंट था उसका लैंग्वेज चेंज कर दिया है। एंड जहां जहां आईसीआई थ्योरी के अंदर ऐसा करता है, ऑनेस्टली बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी होती है जहां जहां लैंग्वेज चेंज है वो आने वाले पहले कुछ अटेम्प्ट्स में पूछे जाएंगे, because very high probability people will remember the old answer and there will be a different suggested answer. So chapter 1, standards as such बहुत ज्यादा नहीं है, एक ही standard जो आपका 200 है उसके अंदर से concept होता है inherent limitations of audit। क्या होता है inherent limitations of audit, वो जरूर chapter number 1 में है, इसलिए मैंने एक essays का reference दिया है कि इसमें जरूर एक 200 वाला essay आएगा। उसके अलावा it's a सिंपल चैप्टर जहां पर ऑडिट क्या है, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट क्या है, ऑडिट का बाकी डिसिप्लिन से क्या रिलेशनशिप है, थोड़ा यहां पर उसने ऑडिट के अलावा बाकी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, एसएईज, एसआरएस, एसआरईज, उनका इंट्रोडक्शन आपके लिए रखा है। वो चैप्टर्स डिटेल में सीए फाइनल में पढ़ाते हैं, इंटरमीडिएट लेवल में उन अदर स्टैंडर्ड्स का इंट्रोडक्शन है। दैट इज योर चैप्टर नंबर 1, वेटेज ऑफ 4 to 5 मार्क्स। आई विल शो यू सेक्शन वाइज वेटेज ऑफ आईसीआई ऑल्सो, 4 से 5 मार्क का वेटेज है, मतलब एक क्वेश्चन तो आएगा बट वो स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आए जरूरी नहीं है फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 1। इज दैट क्लियर टू यू? चैप्टर नंबर 2, इफ यू लुक एट द नेम, ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम, ये एक कोर स्टैंडर्ड है SA 300, दैट नेम इज कॉल्ड एज ऑडिट प्लानिंग। ये तीनों चीजें SA 300 में कवर होती है। पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही ऐसे, मतलब ये ऐसे मेरे लिए बाय डिफॉल्ट एक इंपॉर्टेंट ऐसे बन गया, क्योंकि एक ऐसे के ऊपर ही चैप्टर बिल्ड किया है पूरा का पूरा, मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। 300 विल बिकम अ इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चैप्टर नंबर 2 रहेगा बट एक ही ऐसे को कवर किया है, 300 को बेस पकड़ा, पूरा चैप्टर बिल्ड कर दिया चैप्टर नंबर 2। देखो ओल्ड सिलेबस में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स थे जो इंडिविजुअल ऐसे पे थे, अभी जो नया सिलेबस है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें लिटरली सिर्फ आपको 2 ही चैप्टर मिलेंगे जो स्पेसिफिक ऐसे के ऊपर है, बाकी चैप्टर्स में बहुत मिक्सचर कर दिया है। मतलब पहले ये भी लिस्ट बनाना आसान था, ये इंपॉर्टेंट ऐसे से पढ़ के चले जाओ, अब वो भी पॉसिबल नहीं है। मैं जब आपको सेक्शन वाइज वेटेज दिखाऊंगा, चैप्टर के अंदर मल्टीपल एसेज हैं और चैप्टर का जनरल वेटेज दिया हुआ है, कोई डिसाइड नहीं कर सकता है इस बार 8 ऐसे में से किस पे क्वेश्चन आएगा, वो आपको लिटरली सबके सब पढ़ के जाने पड़ेंगे। ये एक नया चैलेंज है नए सिलेबस के अंदर, सिर्फ ऐसे के अंदर भी सैम्पलिंग लगाना पॉसिबल नहीं है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। चैप्टर नंबर 2, देयर इज एसे 300। चैप्टर नंबर 3, लुक एट द नेम, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। अब इसके ऊपर 2 ऐसे हैं, दैट इज एसे 315 रिस्क असेसमेंट वाला, 320 योर ऑडिट मटेरियलिटी, एंड एक ऐसे था जो आईसे हमेशा इग्नोर करता है, वो बोलता है ये ऐसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऐसे 330। पर मैं हमेशा बोलता था ऐसा हो ही नहीं सकता है, उसके बिना आपका ऑडिट प्रोसीजर कंप्लीट ही नहीं होता है। उन्होंने फाइनली बोला ओके 330 भी पढ़ा दो, उन्होंने एक नया स्टैंडर्ड एड कर दिया स्पेसिफिकली कि जो रिस्क आपको मिलेगी उसके लिए आप रेस्पॉन्ड कैसे करोगे,
The name of the essay is Responses to the Assessed Risk and the number is called as SA 330. ये उन्होंने ऐड कर दिया है इंटरमीडिएट के सिलेबस में. घबराइए मत, आपको मैं प्रॉपर लिस्ट वगैरह बनवा के दूंगा, हर जगह सही अप्रोच दूंगा. सिर्फ पहले एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं कि हमें समझना चाहिए कि नए सिलेबस में है क्या क्या, फिर हम सोच समझ करके एक लॉजिकल अप्रोच डेवलप कर पाएंगे ताकि आपको पढ़ते वक्त यहां से आगे. See, I'm assuming you're making a new fresh start altogether. कि भाई मेरे को यहां से सब्जेक्ट वापस से पहली बार अप्रोच करना है. आप में से कुछ बच्चे सिर्फ दो ही सब्जेक्ट लिखने वाले हैं, you'd have cleared group one. आप में से कुछ बच्चे दोनों लिखने वाले हैं, तो दोनों के हिसाब से मेरे को एटलीस्ट अप्रोच क्लियर करके बताना पड़ेगा ताकि इस सब्जेक्ट में अगर आपके पास में टाइम लिमिटेड भी है डिवोट करने के लिए, यू शुड नो वॉट इज द राइट अप्रोच एंड वॉट इज मे बी नॉट एन इनअप्रोप्रिएट अप्रोच. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसलिए आपको बता रहा हूं. नंबर टू was your 300 के बाद में जो आपका चैप्टर नंबर 3 था रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल, इसमें एसेज हैं दैट इज 315, 320 एंड 330. इसके अलावा कुछ थियोरेटिकल पार्ट भी है जहां पर आपको इंटरनल कंट्रोल, आप में से कुछ बच्चों ने शायद EIS देखा होगा ओल्ड सिलेबस का, वो इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल्स क्या हैं, कंट्रोल्स को चेक करने के तरीके क्या हो सकते हैं, वो सब कुछ उन्होंने चैप्टर नंबर 3 के अंदर रखा है. मतलब 3 एक ऐसा चैप्टर है जिसमें स्टैंडर्ड्स भी है एंड जनरल चैप्टर वाला कंटेंट भी है, बट एक ऑलमोस्ट 10वां कवेटेज है. मतलब स्टैंडर्ड से भी एक आध क्वेश्चन आएगा एंड जनरल चैप्टर के पार्ट भी एक आध क्वेश्चन पक्का आएगा. हमें टाइम डिवोट करना पड़ेगा, पहले 3 स्टैंडर्ड पढ़ने पड़ेंगे 315, 320 एंड 330, फिर वो चैप्टर का जनरल कंटेंट भी गो थ्रू करना पड़ेगा. बट आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए वो इजी होगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी पहले कभी जिंदगी में EIS पढ़ा हुआ रहेगा, तो अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत आसानी से काम में आ जाएगी. दैट इज माय चैप्टर नंबर 3. अब अगर मैं चैप्टर नंबर 3 की बात जाता हूं, चैप्टर नंबर 4, ये चैप्टर 4 ना हमेशा से मिसलीडिंग था. द नेम इज ऑडिट एविडेंस. मतलब मुझे आज तक नहीं समझा उनको एक बेटर नाम मिला ही नहीं है. वो नाम ऑडिट एविडेंस लिखते हैं. लुक एट द लिस्ट ऑफ एसेज 500 501 505 10 20 30 550 610, सब कुछ एक चैप्टर में. अब आपके लिए 610 520 इक्वली इंपॉर्टेंट है. एक जमाने में ओल्ड सिलेबस में 520 पे अलग चैप्टर था, 530 पे अलग चैप्टर था, अब ऐसा नहीं है. ऑल एसेज इन वन सिंगल चैप्टर और 15 मार्क का वेटेज है. मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे, प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कौन से एसेस पे आएंगे. देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन 505 और इट कैन बी ऑन 501 एंड वो हर बार वो रोटेशन चलाते जाएगा. मतलब अगर इस अटेम्प्ट में कोई 2-3 कवर किए तो अगले अटेम्प्ट में कोई और 3 कवर करेगा, पर आपके लिए तो नया सिलेबस का पहला अटेम्प्ट है, तो उसके अंदर प्रिडिक्ट करना ही बहुत मुश्किल है कि इनमें से कौन सा पिक करेगा. लिटरली कोई भी 3 या 4 ऐसे पे क्वेश्चन आ सकता है. मतलब आपको बता रहा हूं, चैलेंज ये है इनमें से आप सैम्पलिंग नहीं लगा सकते हो विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज द वेटेज इज गिवन फॉर एंटायर चैप्टर. यू कांट डिसाइड इन दैट चैप्टर वॉट विल गेट आस्ट एंड वॉट विल नॉट गेट आस्ट एंड एवरी ऐसे इज इन डिटेल. पहले ऐसा था कुछ ऐसे डिटेल में नहीं है, इस बार सारे ऐसे ही डिटेल के अंदर है, बिकॉज उन्होंने डिवाइड कर दिया. ये इंटरमीडिएट का ऐसे है, ये फाइनल का ऐसे है. जो इंटर में है वो इंटर में पढ़ाएंगे, फाइनल में पढ़ाएंगे ही नहीं, और जो फाइनल का है वो फाइनल में ही पढ़ाएंगे. सो ये क्लियर बाइफर्केशन है. तो इस वजह से वो ऐसे अब इंटर के अंदर ही पूरा लिखा हुआ है. दैट इज योर चैप्टर नंबर 4. इट इज कॉल्ड एज ऑडिट एविडेंस. अब आता है चैप्टर नंबर 5. ये आपका ओल्ड सिलेबस का था चैप्टर नंबर 9. याद है क्या? ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जहां पर आपके बैलेंस शीट के, पीएनएल के हर एक लाइन आइटम का ऑडिट वाला पार्ट लिखा था. ये चैप्टर एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है. इसमें कोई ना मेजर एडिशंस है ना मेजर डिलीशंस है, ऑलमोस्ट सब चीजें वैसी की वैसी लिखी हुई है. बस एक प्रॉब्लम है, इस बार वेटेज इंक्रीज कर दिया. इस बार इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली हो गया है 15-18 मार्क्स का ऑफ वन चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5. एंड दिस इज डिजास्ट्रस. दिस गिव्स देम पावर टू आस्क एनीथिंग. दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन AS शेड्यूल 3, दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन जनरल क्वेश्चन, रिसीवेबल कैसे चेक करोगे, पेएबल कैसे चेक करोगे, या उसमें भी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स दिमाग में रखोगे, स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकता है. कोई चेंज नहीं है सिलेबस में, बस वेटेज कंफर्म बढ़ा दिया है. मतलब इस बार मान के चलिए 15 मार्क का क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली चैप्टर 5 से देखने को मिलेगा, दैट इज योर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बट इस चैप्टर में कोई मेजर चेंजेस बिल्कुल भी नहीं है. इज दैट क्लियर टू यू? नाउ चैप्टर नंबर 6.
This is a chapter which everyone will like. The name is Audit Documentation, only one essay, that is essay 230. But इसका कोई independent weightage नहीं है, इसको भी उसने bundle किया है किसी और chapter के साथ में. तो मतलब एक question आप expect कर सकते हो 4 mark का from essay 230. मतलब अभी तक 6 chapter में से सिर्फ 230 और 300 ऐसा है जो अकेले chapter में है. और आप सोच सकते हो कि वहां से guaranteed question आएगा. उसके अलावा सारे essays पढ़ने पड़ेंगे, but question किसमें से आएगा ये आप predict नहीं कर सकते हो, because पूरे chapter के अंदर बहुत सारे multiple essays का mixture दिया है. अब आता है chapter number 7. The name is completion and review. इसमें उन्होंने बहुत सारे essays को add किया है. पहले 560, 70, 80 तीन ही ऐसे हुआ करते थे. अब उन्होंने बोला 260 भी ऐड कर दो, 265 भी ऐड कर दो एंड 450 भी ऐड कर दो. तीन नए ऐसे यहां पे उन्होंने ऐड कर दिए हैं एंड एकदम डिटेल में है. मतलब 260, 265, 450 तीनों के तीनों डिटेल में है और तीनों के तीनों एडिशंस है. मतलब डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आफ्टर दिस कम्स योर चैप्टर नंबर 8, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट रिपोर्ट. अब ऑडिट रिपोर्ट एक अच्छा चीज है और एक बुरा चीज भी है. अच्छा चीज ये, they've removed your company audit chapter from section 138 to 148 with 177 पूरा निकल गया है. सिर्फ एक सेक्शन बचा है 143 with section 143. ICAI का नया ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर बनाने का फॉर्मूला, इंटर में फाइनल में दोनों में सेम है. सुन लीजिएगा, ये चैप्टर एज इट इज फाइनल में आएगा थोड़ा और डिटेल के साथ में, बट सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम. 700 सीरीज, 700, 701, 705, 706, 710, पांच एसेज. 720 नहीं है इंटर में, फाइनल के अंदर रखा है. कारो 2020 ऑल क्लॉजेस इंटर, ऑल क्लॉजेस फाइनल. सेक्शन 143 ऑल सबसेक्शंस इंटर, ऑल सबसेक्शंस फाइनल. मतलब ऑलमोस्ट इस चैप्टर का वेटेज कॉमन है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मतलब ऑडिट रिपोर्ट में एसेज आने चाहिए, कारों के क्लॉजेस आने चाहिए एंड 143 आना चाहिए. 10 मार्क का वेटेज एक चैप्टर का है, दैट इज ऑडिट रिपोर्ट. स्टैंडर्ड्स प्लस कारो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है और एक ही सेक्शन ऑडिट में अब पूछने लायक बचा है, वो 143 बचा है. मतलब पहली बार 143 पे क्वेश्चन आएगा. अभी तक ICAI नॉर्मली 139, 140 में बिजी था क्वेश्चन पूछने के अंदर. 143 न तो आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत थी ना ICAI को स्ट्रेस थी. 100% क्वेश्चन आना चाहिए इस बार 143 से in your audit exam, that is intermediate or final, दोनों के लिए same है. This is your audit report. Audit report में नया क्या है सर? नया कुछ भी नहीं है, एक standard add किया है. Can you see a word S? 600 अगर आपने सुना होगा, using the work of other auditor. क्योंकि 143 में एक branch audit करके subsection है. 143 subsection 8 एक branch audit करके subsection है. उस वजह से उन्होंने branch audit से related ऐसे भी लिख दिया. वो ऐसे है ऐसे 600 जो उन्होंने एज इट इज कंट्रोल से कंट्रोल भी करके ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर में चिपका दिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग एज ऑफ नाउ? समझ तो रहा है ना मैं जो बोल रहा हूं? पक्का? फिर आता है चैप्टर नंबर 9. ये चैप्टर वापस एज इट इज सेम है, कोई मेजर चेंज नहीं है इसके अंदर. ऑडिट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑडिट ऑफ अ लोकल बॉडी, होटल, हॉस्पिटल, एनपीओ, याद रहेगा ना आपको. सिर्फ इसमें एक चीज ऐड किया है, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड योर एजुकेशनल सोसाइटी. समझ लीजिए, मतलब सोसाइटीज ऐड कर दिया है. ये चीज एक छोटा सा एडिशन है, चार पांच पेज का है, कुछ ग्रेट नहीं है. ये एक अमेंडमेंट है सच, तो हम आपको बता देंगे डिटेल के अंदर. यहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन आएगा. इस चैप्टर का वेटेज भी लगभग 15 मार्क का हो गया है अभी. मतलब मिसलिनियस चैप्टर्स में दो मेजर चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 5, ये दोनों ऑलमोस्ट 30 से 35 मार्क के हो गए. ये दो चैप्टर कितने मार्क्स हो गए? 30 से 35 मार्क. अमेंडमेंट कुछ भी नहीं है इनमें ज्यादा, बट इनका वेटेज जो है अभी काफी डोमिनेंट हो गया है स्पेसिफिकली, जो ओल्ड के अंदर नहीं था. अब कंपनी ऑडिट का जो वेटेज था कहीं एलोकेट करना था, थोड़ा स्टैंडर्ड्स में गया है, थोड़ा इस चैप्टर के अंदर चले गया. मेजर चीज ये हुआ है. इसके बाद में आता है आपका सेम बैंक ऑडिट, कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम चैप्टर है. मतलब लिटरली नेग्लिजिबल अमेंडमेंट, सेम 4 मार्क का वेटेज है, कोई वेटेज में भी चेंज नहीं है. लास्ट में फाइनली आपने देखा होगा इसमें सब्जेक्ट का नाम चेंज कर दिया, एथिक्स. समझ रहे हैं मेरा बात? मेरे हिसाब से कॉस्मेटिक है, बोलने के लिए एक चैप्टर बनाया है एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सुनते ही 210 समझ में आ जाएगा. इट इज अबाउट एसे, 210 इज एंगेजमेंट टर्म्स एंड एथिक्स इज नथिंग बट योर एसेज लाइक 220 एंड SQC. इनमें लैंग्वेज चेंज हो गई है, पूरा एज इट इज 220 एंड SQC जो बेयर स्टैंडर्ड है वो उन्होंने इंक्लूड कर दिया है. मतलब ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट हमारे लिए क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर हो गया. मतलब ये हमारे ओवरऑल
11 चैप्टर्स हैं। सर अभी अप्रोच कैसे करना चाहिए? पहले ब्रॉडर अगर मैं मेरे हिसाब से आपको मार्क्स का बाइफर्केशन बताऊं, 30 स्टैंडर्ड्स हमारे सिलेबस में है, 3030 दे आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, उनका वेटेज 50 मार्क कन्फर्म है। कन्फर्म मतलब कन्फर्म, 5-6 ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं होगा। और 30 स्टैंडर्ड्स 50 मार्क का वेटेज क्लियर है। एंड अब बसता मिसलिनियस चैप्टर्स, उसमें आता है आपका ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें आता है आपका डिफरेंट पर्पस एंटिटीज वाला ऑडिट, उसमें आता है आपका बैंक ऑडिट, एंड आपका आता है इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर। विच चैप्टर? इंटरनल कंट्रोल। अगर आपको याद होगा ना, एक ऑडिट एंड ऑटोमेटेड एनवायरमेंट करके था, वो इंटरनल कंट्रोल में चिपका दिया है, उसको लगा अलग से पूछने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर ही ऐड कर देते, तो उन्होंने दोनों चैप्टर को मर्ज कर दिया वो इंटरनल कंट्रोल में। आप खुश मत होइएगा कि वो चैप्टर डिलीट हो गया है, वो नहीं डिलीट हुआ है, उधर ही है, बस उन्होंने एक चैप्टर के अंदर उसको क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है। तो मेरे हिसाब से 4 चैप्टर, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज का ऑडिट हो गया, बैंक ऑडिट हो गया, एंड इंटरनल कंट्रोल वाला जो चैप्टर हो गया, ये 4 मार्क, 4 चैप्टर जो है इनका वेटेज 40 मार्क्स क्लियर है। 4 चैप्टर का वेटेज 40 मार्क्स क्लियर है, मतलब 40 मार्क का पेपर इधर से आएगा ही आएगा, इधर 5-6 मार्क और ऐड हो सकते हैं ऐसा, क्योंकि कुछ कुछ कॉमन एरियाज है जहां पे स्टैंडर्ड भी है चैप्टर भी है, सो हो सकता है ओवरलैपिंग हो जाए, स्टैंडर्ड ना आए चैप्टर आ जाए, या चैप्टर आ जाए स्टैंडर्ड ना आए, वैसा ओवरलैपिंग हो सकता है। आप अपने दिमाग में 50-50 अप्रोच रखिए, 50 मार्क के लिए सारे स्टैंडर्ड्स काम में आएंगे, एंड 50 मार्क के लिए कुछ चैप्टर्स है मेरे पास में, वो चैप्टर के अंदर जनरल कंटेंट भी रहेगा प्लस थोड़ा स्टैंडर्ड वाला कंटेंट भी रहेगा। ये एक मिक्सचर करके इन्होंने 11 चैप्टर बनाए, उसका वेटेज बनाया है। एक मिनट के लिए आपको सामने वेटेज भी दिखाता हूं रेफरेंस के लिए, फिर मैं आपको अप्रोच डायरेक्टली बताऊंगा। जस्ट 1 सेकेंड। थिंक मैंने सेक्शन वाइज वेटेज में निकाल के रखा है, जस्ट 1 सेकेंड। दो मिनट स्पेंड कर लीजिए। पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स, कैन यू सी द फर्स्ट चैप्टर, क्लियर वेटेज 4-5 मार्क्स, मतलब इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे कुछ तो क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ एक ही ऐसे देखने को मिलेगा, कौन सा ऐसे 200, वो भी डिटेल में नहीं है, सिर्फ इनहेरेंट लिमिटेशन है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, इनहेरेंट लिमिटेशन। नीचे आ जाइए, चैप्टर नंबर 2, कैन यू सी द नेम, ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम, एंटायरली ऑन एसए 300, एंटायरली ऑन एसए 300, वेटेज कैन यू सी 8-12 मार्क्स। दिस इज व्हाई दैट वन एसए 300 विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एसए, ऑन वन एसए 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, मतलब 10 मार्क का वेटेज है, एक अच्छा एसए बन जाता है जो हम आइडेंटिफाई करके मेहनत कर सकते हैं। फिर देखिए चैप्टर नंबर 3, The name is Risk Assessment and Internal Control. इसमें आप देखेंगे ऑडिट रिस्क, रॉम, ये सब कहां पर आ रहा है, ऐसे 315 में आ रहा है, कहां से आ रहा है, ऐसे 315। Can you see materiality, materiality in planning and performing, this is your SA 320। इसके बाद जनरल इंटरनल कंट्रोल वाला पार्ट आ जाएगा कि नॉर्मली आपके 320 के बाद में इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, डिजिटल ऑडिट वाला पार्ट आ जाएगा आपका, that is audit in an automated environment, and last week, can you see SA330 responses to the assessed risk, pura chapter 3 plus one more chapter, dono mila ke weightage dikh raha hai kya, 8 to 12 marks, matlab literally agar sochenge to bachcha sochega 2 acha hai, ek hi aise hai aur same weightage hai, you understanding my point, 3 ke andar 3 standard bhi hai, general chapter bhi hai, digital audit bhi hai, sab mila karke wahi weightage hai 8 se 12 marks। मतलब आई डोंट नो समटाइम्स कैसे वो डिवाइड करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। डू दे फॉलो दिस? आई बिलीव सो। इन जनरल मैंने जो चेक किया है, ऐसा जनरली इसके अराउंड ही होता है, कोई मेजर वेरिएंस नहीं होता है, वो खुद नीचे नोट भी लिखते हैं इसके अराउंड कि देयर कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ वेरिएंस, नॉट मच, उन्होंने डिस्क्लेमर भी दिया है, आई विल शो यू। देन कम्स योर चैप्टर नंबर 4, दिस इज द वर्स्ट, ऑडिट एविडेंस। इसमें तो बहुत सारे ऐसे जो मैंने आपको लिस्ट दिया, वेटेज कितना दिख रहा है, 12-18, 15 मार्क का वेटेज पकड़ लो, इसमें सारे ऑडिट एविडेंस वाले एसेस प्लस डॉक्यूमेंटेशन भी आता है, तो अलोंग विद 230 कम से कम 8 एक नए एसेस रहेंगे, जो सब मिलाकर के कितने होने वाले हैं, अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क के लिए। सो दिस इज अ प्योर एसे बेस्ड 2 चैप्टर्स जिनके ऊपर आपका 15 मार्क का वेटेज रहेगा। कंप्लीशन इन रिव्यू ऑल एसेस 1 सेकेंड, इसमें 560, 70, 80, 260, 265, 450, वेटेज 8-10 मार्क्स अगेन, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ऑलमोस्ट एसेज चल रहा है,
10 मार्क, इसके ऊपर वाला 15 मार्क, 25 मार्क, उसके ऊपर वाला 10 मार्क, 35 मार्क्स, इसीलिए बोल रहा हूं 50 मार्क क्लियर एसेस है, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस. आफ्टर दैट इफ यू गो टू 9 एंड 10, कैन यू सी 12 टू 18, मतलब 15 मार्क इधर आएगा ही आएगा. दो चैप्टर कौन कौन से, स्पेशल पर्पज एंटिटीज, बैंक ऑडिट, बराबर है. एंड आपका चैप्टर नंबर 5 जो था वो 12 मार्क का ऑलरेडी था, 12 टू 18, दिस चैप्टर नंबर 5. 15 प्लस 15, 30 मार्क हो गया इन 3 चैप्टर्स, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैंक ऑडिट एंड योर स्पेशल पर्पस एंटिटीज, 30 मार्क क्लियर चैप्टर्स हो गया. लास्ट में आपको मिलेगा एथिक्स वाला पार्ट, अगेन वेटेज 8 टू 10 मार्क्स. फाइनली कुछ एसेस 220 एसक्यूसी पे पक्का क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे. ये उनका बाइफरकेशन है ओवरऑल लेवल पे. सर हमने क्या करने का बताओ डायरेक्टली, सीधे सीधा बात. देखो पहले शुरुआत करेंगे स्टैंडर्ड्स के साथ में, जो हमारे मेजर 30 स्टैंडर्ड्स हैं, विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ देम. जो नए स्टैंडर्ड्स हैं जो पहली बार आए हैं उनको डिटेल में कवर करेंगे, एंड जो स्टैंडर्ड सेम है जैसे 210 सेम है, 700 सेम है, 701, 705, 706, मेजर एसेज आर सेम, 6 एसेज आर न्यू, एंड 6 एसेज आर दोस जिनके अंदर कंटेंट चेंज हो गया है. तो वो 12 में दिमाग मेरे को लगाने का है, बचा हुआ 18 ओल्ड पैटर्न जैसा ही है पूरा का पूरा, फोकस उस पर चेंज करना है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से. बाकी वो 30 स्टैंडर्ड्स हमने पहले गो थ्रू करने चाहिए. आफ्टर दैट विल गो टू चैप्टर्स. इन चैप्टर्स वी हैव टू फोकस ऑन ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, योर स्पेशल पर्पस एंटिटीज एंड योर बैंक ऑडिट. ये 3 मेजर कवर हो गया, तुम्हारा 30 मार्क कवर हो गया. ये हमारा ओवरऑल सीक्वेंस के अंदर अप्रोच रहना चाहिए. पहले हम स्टैंडर्ड्स के साथ शुरुआत करेंगे, उसमें भी कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स की आपको धीरे धीरे थोड़ा रिकलेक्ट करने में हेल्प मिले. डायरेक्टली नया 610 शुरू करूंगा पहले दिन ही बाउंसर जाएगा, मुश्किल हो जाएगा. तो फर्स्ट फ्यू सेशंस, मे बी 5 टू 7 सेशंस, विल कवर दी ओल्ड एसेज विच आर स्टिल रेलिवेंट, बट यू नो देर इज नो मेजर चेंज. विल ट्राई टू कवर देम फर्स्ट, देन विल एड न्यू स्टैंडर्ड्स धीरे धीरे एक एक करके. इज दैट क्लियर टू यू? पहला अप्रोक्सीमेटली मेरे को लगता है 25 टू 30 आवर्स मे बी ऑन स्टैंडर्ड्स बेयर मिनिमम, क्योंकि आपका 50 मार्क का वेटेज है, 30 स्टैंडर्ड्स है, मतलब अगर मैं 1 घंटा भी एक को एलोकेट करूंगा तो भी 30 आवर्स हो जाएगा. If I try to cover everything, I hope you understand, because weightage is, you know, split. तो define करना मुश्किल है कौन सा ऐसे छोड़ना चाहिए और कौन सा नहीं छोड़ना चाहिए. We'll try to cover all. That is the ideal strategy. After that, we'll go to chapters. Chapter के अंदर भी आपको एक 20-25 घंटा लगना चाहिए. तो मेरे हिसाब से लगभग 50 to 60 hours we should be able to finish the major part. Can we get started? पक्का शुरुआत करें? चलिए. Let's go. कहाँ से शुरुआत करें? अभी मैंने आपको क्लैरिफाई पूरा कर दिया है कौन कौन से क्या क्या स्टैंडर्ड्स है. तो अभी विच स्टैंडर्ड इज पार्ट ऑफ विच चैप्टर, ये मैं दिमाग नहीं लगाने वाला हूं. इज दैट फाइन? मेरे को आपको 30 के 30 स्टैंडर्ड पढ़ाने हैं, सिंपल सा लॉजिक है. वो सबके सब सिलेबस के अंदर है, किसी से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. एक की स्टैंडर्ड अलग है जो 300 है, वो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं. उसके अलावा बाकी हर स्टैंडर्ड का अलग से वेटेज निकालना पॉसिबल ही नहीं है. तो दिमाग लगाना ही मत किस चैप्टर से कौन सा स्टैंडर्ड आ रहा है. हम पूरा फोकस पहले कुछ दिन तक किस पे करेंगे? सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे करेंगे. नाउ आई बिलीव ऑलवेज कि आप शुरुआत हमेशा रिपोर्टिंग सीरीज से करें. आपका अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिपोर्टिंग का ठीक रहेगा तो आगे वाले स्टैंडर्ड और इजी होते जाएंगे, लॉजिकल रहेंगे. सो वी विल स्टार्ट विद एसए 700. नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, कुछ बेसिक्स जो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बेसिक चीजों का इंट्रोडक्शन देता हूं, देन वी हिट दी एसए. सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट ऑडिट, हम बात कर रहे हैं कौन से ऑडिट के बारे में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के बारे में. किसके बारे में बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, जिसको हम दूसरे शब्दों में एक्सटर्नल ऑडिट बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल ऑडिट. अलग अलग नाम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट बोल दो, एक्सटर्नल ऑडिट बोल दो, स्टैट्यूटरी ऑडिट बोल दो. हमारा जो मेजर सिलेबस है वो एक्सटर्नल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट के अराउंड ही है. इंटरनल ऑडिट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, बाकी कोई भी दूसरा ऑडिट, टैक्स ऑडिट हो गया, सेक्रेटरी ऑडिट हो गया, कॉस्ट ऑडिट हो गया, वो आपके सिलेबस में नहीं है. योर एंटायर सिलेबस इज अराउंड स्टैट्यूटरी ऑडिट.
अच्छा, ये स्टैट्यूटरी ऑडिट में आप क्या करने वाले हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने वाले हो. क्या चेक करने वाले हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अभी सर, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? मैनेजमेंट. ये क्लियर होना चाहिए, कंपनी का मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आप एज अ ऑडिटर उन्हें एग्जामिन करेंगे एंड एग्जामिन करने के बाद क्या देंगे? अपना ओपिनियन देंगे. तो रिमेंबर, ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट is responsible to prepare the financial statements. Auditor उन्हें examine करके क्या देगा? Opinion देगा अपना through a report. That report is called as audit report. वापस से, management responsible to prepare financial statements. Auditor in financial statements को examine करेगा and examine करने के बाद क्या देगा? अपना report देगा. वो report को हम audit report बोलते हैं, जिसमें आएगा हमारा opinion. जिसमें आएगा हमारा opinion. Is that clear to you? अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? वी हैव बैलेंस शीट, वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एसओसीई, दैट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियस. ये पांचों चीजें मिलके क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है. मैनेजमेंट उसे बनाएगा, ऑडिटर इसे एग्जामिन करेगा. इज दैट क्लियर टू यू? अच्छा, क्या ऑडिट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ? इज ऑडिट कंडक्ट करना रिक्वायर्ड बाय लॉ? प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? परफेक्ट, ग्रेट. क्या बोल रहा था लास्ट? कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट है कि हमें स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा. मतलब इज स्टैट्यूटरी ऑडिट, तुम्हारा सामने फेस टू फेस होने का ऑब्जेक्टिव यही है, समझ रहे हो? ताकि एटलीस्ट मेरे को अकेले बैठ करके बात ना करना पड़े. दैट इज डेंजरस, इट हॉन्ट्स मी. मेरे को लगता है मैं रात को सोएगा, अकेले उठ के बात करना शुरू कर देगा वापस से. मैं सही में मजाक लग रहा है, बहुत डेंजरस चीज है. इसलिए मैं हमेशा बोलते सामने कोई ना कोई होना चाहिए. अगर बच्चे बैठे हैं सामने तो आई विल बी एबल टू टॉक. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई केयर अबाउट यू, ऐसा बुरा मत फील करना, बट सामने अगर बच्चे बैठे रहे तो अच्छा लगता है. सो एज पर कंपनीज एक्ट, इट्स अ रिक्वायरमेंट कि आपको सारे कंपनीज को क्या करवाना पड़ेगा? स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा. इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंपनीज. इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंपनीज. आगे आपको बताएंगे पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होगा, LLP में क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या होना चाहिए. वी विल टॉक अबाउट ऑल दैट. अभी के लिए हमारा स्टैंडर्ड्स के लिए पूरा डिस्कशन किसके ऊपर होगा? एक कंपनी पे होगा. कंपनी के लिए एज पर कंपनीज एक्ट हमें क्या करना चाहिए? स्टैट्यूटरी ऑडिट करना ही चाहिए. इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ. इज दैट क्लियर टू यू? थोड़ा बहुत अगर आपको याद रहेगा, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ऑडिटर के पावर्स एंड ड्यूटीज, सब कुछ कहां दिए हैं? कंपनीज एक्ट में दिए हैं. आपको लॉ में सेक्शंस पढ़ाए होंगे 139 से लेकर के 147 तक. डू यू एबल टू रिकॉल दैट? वो सब कुछ स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अराउंड है. ये सारी रिक्वायरमेंट्स कहां से आ रही है? कंपनीज एक्ट से आ रही है. आई शुड नो दिस. तो मतलब ऑडिट रिपोर्ट में बहुत जगह पे कंपनीज एक्ट का रेफरेंस आ सकता है, क्योंकि ये ऑडिट का रिक्वायरमेंट ही कहां से आ रहा है? कंपनीज एक्ट से आ रहा है. इसलिए ऑब्वियसली हमारे रिपोर्ट में कंपनीज एक्ट का रेफरेंस होता है. इज दैट क्लियर टू यू? वापस से सर, अभी तक ब्रॉडर लेवल पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट क्या था आपने वो समझाया. Who is responsible to prepare financial statement? ये बताया. एक चीज और याद रखिएगा, there is something called as users of financial statement. So we have management, we have users of financial statements, and we have auditor. Can I say they are responsible to prepare financial statements? They are my users. Do you remember the users of financial statements? Users are my management, my, you know, banking company, जिन्होंने हमको loan वगैरह दिया होगा. Government एक user है. Employee can be a user. Your potential investor can be a user. अब ये users के point of view से
एक ऑडिटर एग्जिस्ट करता है, मतलब जब भी आप ऑडिट के दौरान ऐसे पढ़ेंगे ध्यान रखिएगा, वी ऑलवेज कीप इन माइंड दैट हम ऑडिट कर रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूजर में भी ना मेजर फोकस हमेशा मेंबर्स होते हैं, क्या होते हैं हमेशा मेंबर्स होते हैं, दैट इज माय शेयर होल्डर्स, बिकॉज माय रिपोर्ट इज एड्रेस टू हुम, टू द मेंबर्स, हम शेयर होल्डर्स या मेंबर्स को ही रिपोर्ट बना करके देते हैं। और आपको मालूम रहेगा नॉर्मली एक कंपनी के अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी लास्ट लेवल पे कौन करता है, मेंबर्स करते हैं, सो दैट इज व्हाई वी कैन से हमारे लिए आउट ऑफ ऑल द यूजर्स द मेजर फोकस इज ऑन माय मेंबर्स। इज दैट क्लियर टू यू, क्या आपको इतना ओवरव्यू क्लियर है? पक्का ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, मैं अज्यूम कर रहा हूं आप में से मेजोरिटी लोग को ये पता होगा, क्या है इन चीजों का रेफरेंस आगे आ जाएगा, इसलिए आपको बस एक बार अवेयरनेस दे दिया। कैन वी गेट स्टार्टेड नाउ, अब शुरुआत करते हैं एसए 700 के साथ में। व्हेन आई गो टू 700, एक बार एक चीज और सुन लीजिए, हमारे ऑडिट में ना स्टैंडर्ड्स के सीरीज है, 200 सीरीज, 300, 4, 5, 6, 7 एंड 800 भी है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपका सिलेबस कहां तक आता है? 700 तक। इसमें ये जो 700 पार्ट है ये आपका ऑडिट रिपोर्टिंग पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ऑडिट रिपोर्टिंग पार्ट। ये जो 600 मतलब 4, 5, 6 तीनों के तीनों, दिस इज योर एग्जीक्यूशन फेज, दिस इज योर एग्जीक्यूशन फेज। इसमें भी ये जो 600 है स्पेसिफिकली, यहां पर हम यू आर यूजिंग द वर्क ऑफ अ थर्ड पार्टी, यू आर यूजिंग द वर्क ऑफ अ थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? इंटरनल ऑडिटर हो सकता है, ये थर्ड पार्टी आपका ब्रांच ऑडिटर हो सकता है, ये थर्ड पार्टी आपका खुद का ऑडिटर का एक्सपर्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? अपना खुद का एक्सपर्ट हो सकता है। मतलब सर सीरीज 200 से लेके 800 तक जाती है, 800 हमारे सिलेबस में नहीं है, 700 जो लास्ट फेज है वो हमारा रिपोर्टिंग फेज है, 4, 5, 6 तीनों के तीनों क्या है? एग्जीक्यूशन है। 4, 5, 6 तीनों के तीनों क्या है? एग्जीक्यूशन फेज है, जहां पर आपको बोला जाएगा ऑडिट कीजिए, एविडेंसेस को ऑब्टेन कीजिए, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट हमें कभी कभी थर्ड पार्टी के काम पे भी रिलाय करना पड़ सकता है, इसीलिए एक सीरीज बना के दिया है, दैट इज कॉल्ड एज 600 सीरीज, दैट इज कॉल्ड एज 600। यहां पर हम कोई ना कोई थर्ड पार्टी का काम यूज करेंगे, बट 4, 5, 6 तीनों के तीनों क्या है? एग्जीक्यूशन है। 4, 5, 6 तीनों के तीनों क्या है? एग्जीक्यूशन फेज है। फिर आता है आपका 300, दिस इज योर प्लानिंग फेज, दिस इज योर प्लानिंग फेज। मतलब कैन वी से 300 इज प्लानिंग, उसके बाद में आएगा एग्जीक्यूशन, दैट इज 4, 5, 6, फिर आएगा रिपोर्टिंग, दैट इज योर 700। ये आपका मेजर मेजर स्टैंडर्ड्स का यू नो सीरीज है, जहां पे ऑडिट में प्लानिंग से लेकर के रिपोर्टिंग तक के सारे सिनेरियोस कवर होते हैं। तो जब हम 300 डिस्कस करेंगे मतलब हम प्लानिंग डिस्कस करेंगे, जब हम 4, 5, 6 डिस्कस करेंगे मतलब एग्जीक्यूशन डिस्कस करेंगे, एंड जब हम 700 जो आज शुरू करेंगे दैट इज कॉल्ड एज रिपोर्टिंग फेज। इज दैट क्लियर टू यू? फिर सर 200 में क्या है? 200 में ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, दे आर माय बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर स्टैट ऑडिट। मतलब यहां पर आपको बताएंगे डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, नॉर्मली आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एंगेजमेंट टर्म्स क्या होते हैं, वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट से कहां आते हैं 200 सीरीज में आते हैं। इट विल इंक्लूड माय एंगेजमेंट टर्म्स, माय ऑब्जेक्टिव एज अ ऑडिटर, मेरा फ्रॉड के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बट वो फ्रॉड वाला ऐसे आपके सिलेबस से कंप्लीटली स्क्रैप कर दिया है, नाउ दैट इज पार्ट ऑफ सीए फाइनल सिलेबस, वो आपको इंटर में पढ़ने का जरूरत नहीं है, कंप्लीटली स्क्रैप हो चुका है। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट 200 में है, प्लानिंग का पूरा पार्ट 300 में आएगा, 4, 5, 6 इज माय एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग इज माय 700। ऐसे 200 से लेके 700 तक आपका सीरीज बना करके दिया है। 800 कुछ अलग पर्पस के ही ऑडिट्स हैं, जो पूरा का पूरा सीए फाइनल में एक चैप्टर बन के आएगा। इज दैट ओवरव्यू क्लियर टू यू? अब हम कहां से शुरुआत कर रहे हैं? रिपोर्टिंग से शुरुआत कर रहे हैं। कहां से शुरुआत कर रहे हैं? रिपोर्टिंग से। अब सर रिपोर्टिंग में हमें क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले टाइप्स ऑफ ओपिनियन क्या क्या होते हैं, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? टाइप्स ऑफ ओपिनियन। अच्छा बच्चों, मैं फास्ट ट्रैक बैच के अंदर ऑनेस्टली कुछ आपको लिखवाने वाला नहीं हूं, बिकॉज दैट विल बी लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। माय अजम्पशन इज ये आपने कभी ना कभी ऑलरेडी सुना है, आपके पास बुक्स हैं, नोटबुक्स रहेंगे, कहीं ना कहीं आपने लिखा हुआ रहेगा। अगर आप में से किसी को एक्चुअली में लिख से लिखे हुए नोट्स चाहिए भी, मैंने एक बच्चे का जेरॉक्स भी लिखे रखा है इस बैच का,
उसको मैं स्कैन भी करवा दूंगा और अपलोड कर दूंगा, आप वो रेफर कर लेना। स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑब्वियसली उस बच्चे से हो सकती है, आप अपने हिसाब से ठीक करें ना करें, दैट्स योर डिसीजन। वेदर कैन बी विच वेदर यू नो, तो वो हो सकता है। आई विल शेयर दैट विद यू इन केस यू वॉन्ट टू रेफर, आपको अगर करना है तो आई गेट इट डन इन अ डे, मोस्टली बाई मंडे मॉर्निंग आई पोस्ट इट। ठीक है, वो आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। अदर देन दैट मैं नहीं लिखवा सकता, अगर बहुत लिखाऊंगा तो आपको 600 पेज में फास्ट ट्रैक में खत्म ही नहीं कर सकता हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको क्लियर हो जाए, आपको समझ जाए इधर क्या क्वेश्चन आएगा, मुझे क्या आंसर लिखना है। मैं ट्राई करूंगा नए सिलेबस से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूं, लेट्स से 4-5 ऐसे हो गए, उससे रिलेटेड आईसीए के नए मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस आए हम उधर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें, कुछ करेक्टिंग करें, मतलब मोर ऑफ योर एंगेजमेंट रिगार्डिंग टीचिंग। मतलब आई एम नॉट गोइंग टू डू द राइटिंग वाला पार्ट यहां पे, क्योंकि दैट इज नॉट गोइंग टू एड वैल्यू, वो आप खुद भी कर सकते हो मुझे लगता है। आप करंट सिचुएशन में जहां पर हो, आपको एक्सपेक्टेशन रहेगा मुझे कंटेंट मिल जाए, तो मेरा एक्सपेक्टेशन भी हुआ कि मैं कंटेंट दे दूं। इज दैट क्लियर टू यू? तो सर 700 में हमारा फोकस क्या होगा? सबसे पहले नंबर वन, हमारे ओपिनियन के टाइप कितने होते हैं और नॉर्मली कौन सा ओपिनियन कब आता है ये हमें पता होना चाहिए। फिर हमारे ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, दो ही चीजें जो 700 में फोकस्ड है, नंबर वन टाइप्स ऑफ ओपिनियन एंड नंबर टू माय कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। दो ही चीजों पे पूरा 700 बिल्ड करके दिया है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, डू यू रिमेंबर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओपिनियन डू वी हैव? डू यू रिमेंबर दैट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओपिनियन डू वी हैव? टू और फोर? टू। कौन कौन सा? One is called as modified and second is called as unmodified. मतलब सर या तो आप क्लीन रिपोर्ट देंगे या आप मॉडिफाइड रिपोर्ट देंगे, तो आपके लिए ओपिनियन कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के हो गए। वन इज कॉल्ड एज अनमॉडिफाइड ओपिनियन एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड ओपिनियन। सबसे पहले काम करते हैं उनका लैंग्वेज डिस्कस कर लेते हैं, अपने मॉड्यूल में है पेज नंबर 1F.3। तो अपना जो फर्स्ट मॉड्यूल है दैट इज द एसए मॉड्यूल। इन द एसए मॉड्यूल हम 700 सीरीज पे जा रहे हैं। कहां पर जा रहे हैं हम? 700 सीरीज पे जा रहे हैं। इसके अंदर आपको देखेगा फॉर्म ऑफ ओपिनियन, मतलब एक तरीके से टाइप्स ऑफ ओपिनियन। देखिए यहां पे दो ब्रॉडर कैटेगरी रहेगा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन एंड दूसरा क्या मिलेगा? मॉडिफाइड। अब सुनिए, अगर मुझे ऑडिट के दौरान सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं? सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल जाते हैं एंड मैं ये कंक्लूड करता हूं दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, मतलब कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है। व्हाट इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑल्सो बताऊंगा, 320 एक ऐसे है वहां पर। अभी के लिए इफ आई कंक्लूड एज अ ऑडिटर मुझे एविडेंसेस मिले हैं, इनके बेसिस पे मुझे लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, मतलब कोई मेजर गलती है मुझे लगती नहीं है। कैन आई गिव अ क्लीन ओपिनियन इन दिस केस? यस, दिस क्लीन ओपिनियन इज आल्सो कॉल्ड एज अनमॉडिफाइड ओपिनियन। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अनमॉडिफाइड ओपिनियन। सर व्हाई द वर्ड अनमॉडिफाइड? क्योंकि एक स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है जो आपको पढ़ाएंगे अभी। ये फॉर्मेट के अंदर हम अगर बोले कोई चेंजेस नहीं चाहिए तो हम बोलेंगे ये रिपोर्ट कहलाएगा क्लीन रिपोर्ट एंड डोंट मेक अ मॉडिफिकेशन, दैट मींस इट कैन बी कॉल्ड एज अनमॉडिफाइड। सो द स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज फॉलोड एज इट इज, वी कॉल दिस एज क्लीन ओपिनियन और अनमॉडिफाइड ओपिनियन। एक बार पढ़िए जरा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है? सर ऑडिटर शाल एक्सप्रेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन जब वो कंक्लूड करता है that financial statements are prepared in all material respects in accordance with applicable FRF. अब सर what is applicable FRF? सुनिए, एक वर्ड आएगा applicable FRF, फुल फॉर्म सुनिएगा। एप्लीकेबल एफ आर एफ मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्ट को बनाकर के प्रेजेंट करने का फ्रेमवर्क, दैट इज कॉल्ड एज एफ आर एफ। अब बताइए इंडिया में अगर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है या तो मुझे AS फॉलो करना पड़ेगा या मुझे INDAS फॉलो करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं है? दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए इधर आई नीड टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और INDAS। बट ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए अकाउंटिंग हुआ, आपका जो फाइनली बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, जो पीएनएल का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट कहां से आएगा? शेड्यूल 3 से आएगा। कहां से आएगा? शेड्यूल 3। तो वी कैन से अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, दैट इज AS प्लस INDAS, मतलब AS और INDAS प्लस योर शेड्यूल 3, दोनों चीजें मिलकर क्या बनता है?
एप्लीकेबल एफआरएफ बनता है. क्या बनता है? एप्लीकेबल एफआरएफ. मतलब अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त एएस या इंडेस जो भी एप्लीकेबल है उनका कंप्लायंस किया है, एंड शेड्यूल थ्री के हिसाब से क्या बनाया है, बैलेंस शीट एंड पीएनएल का फॉर्मेट बनाया है, वैसे डिस्क्लोजर दिया है, तो हम बोलेंगे योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ. मतलब कोई गलतियां नहीं है. तो कैन आई से इस केस में क्लीन ओपिनियन दे सकता हूं मैं? हां. मतलब इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूं देर आर नो मटीरियल मिसस्टेटमेंट, सो आई कैन गिव अ क्लीन ओपिनियन. क्लीन ओपिनियन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अनमॉडिफाइड ओपिनियन, कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अनमॉडिफाइड ओपिनियन. अब नॉर्मली वो ये नहीं पूछता है कि अनमॉडिफाइड कब आता है, क्योंकि ट्रिकी पार्ट है मॉडिफिकेशन, तो वो उल्टा पूछता है मॉडिफिकेशन कब आना चाहिए. सो एग्जाम में क्वेश्चन अनमॉडिफाइड डिफाइन करना नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, मॉडिफिकेशन कब आता है. दैट इज वेयर अ चैलेंजिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. अभी के लिए ओपिनियन दो टाइप के, कौन कौन सा, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड. अगर मुझे एविडेंसेस मिला और मुझे लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एप्लीकेबल एफआरएफ, तो मतलब मुझे कोई गलतियां नहीं मिली है. कैन आई गिव अ क्लीन ओपिनियन? यस. आप क्लीन ओपिनियन दे दो, उसको हम क्या बोल देंगे, अनमॉडिफाइड भी बोल देंगे. अगर लगता है कुछ गलतियां हैं तो हमें क्या देना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन देना पड़ेगा. क्या आपको बेसिक डिफरेंस क्लियर है? You understand what is unmodified and what is modified? Modified पे जाएंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे. अभी एक बेसिक ओवरव्यू दिया है what are two different types of opinion. अब सुनिए मेरा बात, इधर ही आपसे एक्सप्लेनेशन के अंदर एक चीज और एक्सप्लेन करता हूं. There is something called as misstatement. Now what is misstatement and when does this misstatement becomes material? इधर ही एक्सप्लेन करता हूं, सुन लीजिएगा मेरा बात. Misstatement क्या होता है, जो मेरा AS बोलता है आपने ऐसा करना चाहिए और जो एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त आपने किया है, अगर मैं बोलता हूं दोनों में वेरिएंस, अगर मैं ऐसा नहीं करता है, कैन आई कॉल दैट एज अ मिसस्टेटमेंट? यस. मिसस्टेटमेंट मतलब समथिंग रॉन्गली स्टेटेड, मतलब समथिंग रॉन्गली स्टेटेड, गलत तरीके से आपने उसे रिकॉर्ड किया है. क्या गलत हो सकता है, जो एएस बोला मैंने वो नहीं किया, जैसा डिस्क्लोजर देना चाहिए था मैंने वैसा डिस्क्लोजर नहीं दिया. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को लोन दिया है, आपने किसी को लोन दिया है पर उसको डिस्क्लोज किया है एज अ डिपॉजिट, डिस्क्लोज किया है एज अ डिपॉजिट. कंपनी हूं, आई हैव गिवन लोन टू समवन, व्हेन आई गिव लोन शुड आई रिसीव इंटरेस्ट, शुड आई रिसीव इंटरेस्ट? बट अगर मैं बोलता हूं मैंने लोन दिया है बट मेरे को इंटरेस्ट बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करना है, तो मैं क्या करता हूं, आई शो दिस लोन एज अ रिफंडेबल डिपॉजिट, आई शो दिस लोन एज अ रिफंडेबल डिपॉजिट. लैंड लिया होगा उसके आगे से अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट के अंदर आपको डिपॉजिट देना होता है, बराबर है कि नहीं? आपको आपने वो डिपॉजिट दिखा दिया, इससे क्या होगा, बुक्स में उस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको वो इंटरेस्ट इनकम अवॉइड करना होगा, सप्रेशन ऑफ कैश रिसीट्स. क्या इसे आप रॉन्ग क्लासिफिकेशन कर सकते हो, दोनों केस में पैसा ही दिया है ना, एक में आप बोल रहे हो लोन दिया, एक में बोल रहे हो एडवांस दिया, डिफरेंस क्या है, अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस है, क्लासिफिकेशन में डिफरेंस है, एक जगह पे इंटरेस्ट आएगा दूसरी जगह पे इंटरेस्ट शायद नहीं आएगा. तो क्या इसे रॉन्ग क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो अ मिसस्टेटमेंट. या तो अकाउंटिंग गलत कर दो, क्लासिफिकेशन गलत कर दो, डिस्क्लोजर गलत कर दो, कोई भी ऐसी गलती वो नॉर्मली क्या कहलाएगी, मिसस्टेटमेंट कहलाएगी. क्या कहलाएगी, मिसस्टेटमेंट. सर ये मिसस्टेटमेंट मटीरियल कब होता है, जब ऑडिटर को लगता है मैं किसके लिए एग्जिस्ट करता हूं, यूजर्स के लिए. मैं किसके लिए एग्जिस्ट करता हूं, यूजर्स. अगर ये गलती मेरे यूजर्स को इंपैक्ट करेगी, मेरे यूजर्स को इन्फ्लुएंस करेगी, तो ये गलती मेरे लिए क्या बन जाएगी, मटेरियल मिसस्टेटमेंट बन जाएगी. इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्लियर टू यू? ये किस पे डिपेंडेंट है, ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंडेंट है. पर सर उससे पहले गलती ढूंढनी पड़ेगी, फिर डिसाइड करना पड़ेगा ये मटेरियल है या नहीं. इज दैट क्लियर टू यू? अभी के लिए ये आपको वापस से बताया, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स आगे डेफिनेशंस में काम में आएंगे. अब आइए रीड कीजिए मेरे साथ में, व्हाट इज अ मॉडिफाइड ओपिनियन. देखिए, ऑडिटर शाल मॉडिफाई द ओपिनियन इन हिज रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विथ एसए 705. एक एसए अलग से बनाया है. नॉर्मली दो सर्कमस्टेंसेस के अंदर 705 आता है, मतलब मॉडिफिकेशन आता है. जब आप कंक्लूड करते हो बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंसेस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर नॉट फ्री, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं. अगर वो फ्री होते तो क्लीन ओपिनियन आता,
कैन आई से इफ दे वर फ्री आई विल गिव अ क्लीन ओपिनियन, इफ दे आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट आई विल गिव अ मॉडिफाइड. मतलब क्लीन और मॉडिफाइड का डिफरेंस समझ में आया क्या? क्लीन और मॉडिफाइड का डिफरेंस समझ में आया क्या? वन सेकेंड. ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? प्लीज कंफर्म. ग्रेट. नाउ सर, देयर इज अनदर पॉइंट, पॉइंट नंबर बी. ये थोड़ा ट्रिकी है. पॉइंट नंबर ए इज इजी. हमने एविडेंस ऑब्टेन किया, मुझे लगता है ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है, और हमने कंक्लूड कर दिया मॉडिफिकेशन दे दो. रीड पॉइंट नंबर बी क्या बोलता है. इस बार हमें ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिल रहा है. क्या नहीं मिल रहा है? ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिल रहा है. मतलब वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. जब ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिलेगा तो कंक्लूड कैसे करेगा दैट दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स और नॉट. मतलब ए में आपको गलतियां मिलती है, बी में आपको लगता है एविडेंस नहीं मिला है, मतलब गलतियां हो सकती है. सो दिस इज डिटेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट. इन पॉइंट नंबर बी देर इज अ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट. इन पॉइंट नंबर बी देर इज अ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट. मुझे लगता है गलतियां हो सकती है. दोनों केस में अगर वो मटेरियल है तो ही क्या आएगा? मॉडिफिकेशन आएगा. वरना कौन सा ओपिनियन आएगा? क्लीन ओपिनियन आएगा. क्या आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लीन एंड मॉडिफाइड समझा? क्या मॉडिफिकेशन दो सर्कमस्टेंसेस में आता है. पहला वाला जब आपने बोला मेरे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, मतलब क्या है? देयर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. दूसरा चीज, मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला कि मैं कंक्लूड करूं दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री. मतलब हमें लगता है एविडेंस नहीं मिला, इसका मतलब क्या है? पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं. इस वजह से आप यहां पर भी क्या देंगे? मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे. इन दोनों सर्कमस्टेंसेस में आएगा मॉडिफाइड ओपिनियन. एक में गलतियां मिली है, दूसरे में एविडेंस ही नहीं मिला है, इसलिए लगता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं. एक में है डिटेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट, दूसरे में है पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट. इतना क्लियर है क्या? वापस से, वेयर आर वी? एसए 700. इधर हमको दो चीज पढ़ने गए, दो टाइप के ओपिनियन, एंड दूसरा चीज फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट. फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट पे आने से पहले दो ओपिनियन बताए, मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड. अनमॉडिफाइड मतलब सर एप्लीकेबल एफआरएफ फॉलो किया है, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं लगते हैं, लगते हैं गलतियां हैं तो मॉडिफिकेशन आ सकता है. इतना क्लियर है क्या? ये दोनों चीज वापस से 705 में रिपीट भी करेंगे. अभी गुड. अब आते हैं फॉर्मेट के ऊपर. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड फिर हम फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं. थोड़ा बहुत ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट याद है क्या? इट्स ऑन पेज नंबर 1F.14. You'll see a format. Starting point hamesha, there is a title. Can you see a word? Independent Auditor's Report. मतलब this is the title of your report जो clearly indicate करता है ये auditor कौन है. Independent auditor है, मतलब कौन सा auditor है? Statutory auditor है. See, ऐसा मत सोचना internal auditor independent नहीं होता है, वो भी independent होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट स्टैट्यूटरी ऑडिटर जनरली माना जाता है सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहिए. पर इंटरनल ऑडिटर में याद है क्या एक लाइन में लिखा हुआ था? कंपनी का एम्प्लॉय भी इंटरनल ऑडिटर हो सकता है. अगर आप सेक्शन 138 पढ़ेंगे तो कंपनी का एम्प्लॉय भी इंटरनल ऑडिटर हो सकता है. मतलब आप एक्सटर्नल ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं. यहां पर इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आपका टाइटल होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. ये आपके रिपोर्ट का टाइटल है. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये रिपोर्ट मेरे को बनाने के लिए बोलने वाला है क्या? नहीं पूछेगा. दे विल नॉट आस्क यू टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट. इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पूरे चैप्टर का जो वेटेज है उससे ज्यादा मार्क का तो क्वेश्चन बन जाएगा. तो मेरे से पूछेगा क्या? वो रिपोर्ट में जो अलग अलग चीजें हैं, किसी एक स्पेसिफिक पैराग्राफ पे क्वेश्चन पूछेगा. या तो पूछेगा ओपिनियन में क्या आता है वो बता दो, या पूछेगा बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या आता है ये बता दो, या मे भी पूछ सकता है व्हाट इज ईओएम पैराग्राफ, व्हाट इज अदर मैटर पैराग्राफ, व्हाट इज कैम पैराग्राफ, और एकाध पैराग्राफ को ड्राफ्ट करने के लिए बोल सकता है. एकाध पैराग्राफ को ड्राफ्ट करने के लिए आज तक मैं बोलता था ड्राफ्टिंग नहीं आता इंटर में. नए सिलेबस के अंदर थोड़े क्वेश्चन देखे आईसीए के, ऐसा लग रहा है कुछ कुछ गलती से फाइनल से कॉपी हो रहा है.
कुछ क्वेश्चंस है ड्राफ्टिंग के ऑन ईओएम ओएम एंड कैम, मतलब अब मुझे लगता है एक आध क्वेश्चन ड्राफ्टिंग पे भी आ सकता है, वो भी आपको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। मतलब उसके क्या है सर, हमको पूरा रिपोर्ट का फॉर्मेट पता होना चाहिए, स्पेसिफिक क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने चाहिए। इफ दे आस्क मी कंटेंट्स ऑफ ओपिनियन आई शुड नो व्हाट टू राइट, इफ दे आस्क मी कंटेंट ऑफ बेसिस फॉर ओपिनियन आई शुड नो व्हाट टू राइट, ये मेरे को पता होना चाहिए। चैलेंजिंग पार्ट से शुरुआत कर रहा हूं थोड़ा बहुत, पर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एकदम बेसिक अभी वो 210 शुरू करूंगा तो हर किसी को आंसर आएगा, उतना भी तो करके फायदा नहीं है ना। विल गो देयर बट कुछ तो थोड़ा मेहनत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पक्का एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बेसिस फॉर ओपिनियन पे 4 मार्क के लिए, कंटेंट्स ऑफ बेसिस फॉर ओपिनियन, इजी नहीं होगा आंसर लिखना, यहां पर आंसर चैलेंजिंग होता है, इसलिए आपको बता रहा हूं थोड़ा इंडिविजुअली डिटेल में जब डिस्कस करेंगे फोकस कीजिएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद कंटेंट्स। सबसे पहला चीज टाइटल हो गया, कैन यू सी नेक्स्ट टू द मेंबर्स, मतलब ये रिपोर्ट किसको एड्रेस कर रहे हो, किसको एड्रेस कर रहे हो सर, आप मेंबर्स को एड्रेस कर रहे हो, क्लियर है एकदम। नेक्स्ट कैन यू सी अ स्टेटमेंट, इट्स अ रिपोर्ट ऑन ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब सिंपल एक इंट्रोडक्शन लाइन हो गई कि हमारा रिपोर्ट क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के बाद का रिपोर्ट है, दैट्स द टाइटल, जैसा एक इंट्रोडक्शन लाइन लिख के दिया है। अब आती है काम की बात, कैन यू सी डायरेक्टली अ वर्ड ओपिनियन। एक ऑडिट रिपोर्ट का ओल्ड फॉर्मेट भी होता था जहां पे डायरेक्टली ओपिनियन नहीं आता था, अब नया फॉर्मेट है, यहां पे डायरेक्टली हेडिंग आपको मिलेगी ओपिनियन, एंड ओपिनियन हेडिंग में आपको मिलेंगे 2 पैराग्राफ। आपको क्या मिलेंगे, 2 पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ 1 एंड दिस इज पैराग्राफ 2। व्हेन दे आस्क यू अ क्वेश्चन कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन द ओपिनियन हेडिंग, लोग क्या बोलेंगे, ओपिनियन आएगा। ऑनेस्टली आईसीए का सजेस्टेड आंसर में वही नहीं, आईसीए का सजेस्टेड आंसर में है पैराग्राफ 1। Will you read along with me? चलो पढ़ो मेरे साथ में, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आसान नहीं है भाई। We have audited the financial statements of ABC, which includes balance sheet, PNL, cash flow statement and notes to accounts, including summary of significant accounting policies. ये other auditor वगैरह छोड़ दीजिए अभी के लिए, क्या at least ये बोल रहा है क्या, हमने XYZ या let's say इस केस में हमने ABC का audit किया, क्या कंपनी का नाम आ रहा है क्या, अरे हाँ या ना, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया, रेफरेंस आ रहा है क्या, एंड ये भी बता रहे हो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती है, इट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सब कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब ओपिनियन हेडिंग में क्या क्या आना चाहिए, वी शुड आइडेंटिफाई किस कंपनी का ऑडिट हुआ है, वी शुड आइडेंटिफाई क्या क्या चीज का ऑडिट हुआ है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट आया, पीएनएल आया, हर एक एलिमेंट का रेफरेंस आएगा। हमने ये बोलना चाहिए पीरियड कौन सा है, हमने ये बोलना चाहिए पीरियड कौन सा है, मतलब ओपिनियन हेडिंग में कंपनी का नाम, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है उसका लिस्ट आना चाहिए, हमने किस पीरियड का ऑडिट किया है पीरियड का रेफरेंस आना चाहिए, फिर हमने इसका ऑडिट करने के बाद ओपिनियन क्या दिया है वो लास्ट में आना चाहिए। बट ओपिनियन पार्ट इज ओनली 1 लाइन, वो यहां पर है, इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ये सब आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। Should I show you the answer normally ICA ने क्या लिखना चाहिए, look at this आराम से, standard format है, हमने 700 के अंदर पूरा list बना के दिया है, this is your start of SA 700, introduction पढ़ाएंगे आपको, don't worry, main चीज है यहाँ पे जो पढ़ेंगे audit report में क्या क्या आएगा, this is the list of elements, this is the list of elements, it's on page number 1F.3, इसमें से कुछ कुछ एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है जहां पे क्वेश्चन आएगा। टाइटल टाइम पास है, नथिंग बट इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। नेक्स्ट एड्रेसी किसको एड्रेस कर दे, टू द मेंबर्स। कैन यू सी नेक्स्ट वन, ऑडिटर्स ओपिनियन, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। पढ़ो जरा क्या लिखा है, द फर्स्ट सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट will include a opinion by the auditor, and heading क्या होता है, opinion, opinion section में क्या आता है, ये 5 पॉइंट अगर आप लिखेंगे आपको मार्क्स मिलेगा। पढ़ के देखिए जरा क्या लिखा है, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमने किस एंटिटी का ऑडिट किया है, स्टेट करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुए हैं, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट, मतलब बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, या सॉरी नो, अगला पॉइंट नंबर डी, रेफरेंस देना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स का,
इंक्लूडिंग समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड लास्ट पॉइंट, हमने कौन सा डेट एंड पीरियड कवर किया है बाय ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो रेफरेंस देना पड़ेगा। किधर भी आंसर में ओपिनियन लिखाया गया, हेडिंग ओपिनियन है, बट वॉट इज इंक्लूडेड इन ओपिनियन इज द फर्स्ट पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ इज द एक्चुअल ओपिनियन, सेकेंड पैराग्राफ इज द एक्चुअल ओपिनियन। सो व्हेन दे आस्क अ क्वेश्चन इन द एग्जाम, दे विल आस्क यू ओपिनियन सेक्शन में क्या आता है, कंटेंट ऑफ ओपिनियन सेक्शन, अगर आपने बोला ना उसमें ओपिनियन आता है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट पीपल डू, दे बिलीव दे अंडरस्टैंड, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट आई से वांट्स, what question they will ask, how should I write the answer, both aspects are equally important, is that clear to you? Matlab sir, agar auditor ka opinion heading pucha, usme can I say pehle paragraph mein ye sab cheeze aani chahiye, ek bar revise karoge fatafat se, revise karo is box ko, I'll show you actual exam questions also, don't worry, let me finish few essays, fir hum question pe jayenge, read the box. ठीक लग रहा है क्या? जब ऐसे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करूं, दिमाग लगाने का, ढंग से पढ़ने का, सोचने का कि भाई ये पूछेगा, मैं ये को ये लिखने का है, और राइटिंग प्रैक्टिस जब करो इतना ही करने का, व्हेन यू राइट एवरीथिंग इट्स ऑफ नो यूज, बिकॉज इन द एंटायर चैप्टर दे मे आस्क यू ओनली टू क्वेश्चन, आई शुड नो उन दो का आंसर कैसे लिखने का है, तो उसके लिए क्वेश्चन क्या ढूंढने का, अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लुक फॉर द राइट क्वेश्चन, देन राइट ओनली आंसर ऑफ वन और टू सच क्वेश्चन, यू प्रैक्टिस ओनली 30-40 question sufficient. 300 is of no use if you don't know what they will ask and how they will ask. Samjha kya? Pakka? Itna clear hai? Any doubt to anyone? Can I go back to report? Report mein opinion heading. Uske andar aayega do paragraph. Pehla wala paragraph kya aayega? Introduction paragraph. Usme sab aata hai. Second paragraph mein kya aayega? Hamara opinion. Trust me, uske liye ek line likhne ka hai. Auditor should express his opinion. Khatam. उसमें आपको इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आर ये कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पूछा ओपिनियन हेडिंग में क्या आता है, दो पैराग्राफ आते हैं, पैराग्राफ वन में ये पांच चीजें आती है, पैराग्राफ टू में क्या आता है, हमारा एक्चुअल ओपिनियन, इज दैट क्लियर टू यू? 100% आगे बढ़ू, चलो आ जाइए वापस से, मैं आपको ऐसे टाइम टू टाइम डिस्कस करते करते रेस्पेक्टिव क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा। ऐसे 700 के एंड में फिर से हमारा ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया है, मैं वहां जा रहा हूं। टाइटल एड्रेसी ओपिनियन हेडिंग, पहला पैराग्राफ समझा, इसमें कैन आई से दिस नथिंग बट माय ओपिनियन, एक बार लैंग्वेज पढ़ोगे क्या, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, कैन आई से हमारे हिसाब से वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, यही हमें चेक करके ओपिनियन देना है। अगर वो बोल रहे हैं सिर्फ ओपिनियन हेडिंग, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है क्लीन ओपिनियन, रिप्रेजेंट करता है क्लीन, अगर मॉडिफाइड होता तो हेडिंग ओपिनियन नहीं होता, हेडिंग बदल जाता, इट विल बी मॉडिफाइड ओपिनियन, नाम आएगा या तो क्वालिफाइड या एडवर्स या आता डिस्क्लेमर, पढ़ाएंगे आपको कल एसए 705 के अंदर, अभी के लिए ये ओपिनियन हेडिंग रिप्रेजेंट करती है इंडिविजुअली, इट्स अ क्लीन ओपिनियन विच विल हैव टू पैराग्राफ्स, इज दैट क्लियर टू यू? आगे बढ़े क्या रिपोर्ट के अंदर, शुरुआत से टाइटल हो गया, एड्रेसी हो गया, ओपिनियन हेडिंग आ गया, अब कैन यू सी हेडिंग कॉल्ड एज बेसिस फॉर ओपिनियन, अनदर क्वेश्चन विच आईसीए लाइक्स, क्या था बेटा, ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट, सिलेबस नहीं, ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट में ये हेडिंग ना क्लीन ओपिनियन के लिए आता ही नहीं था, ये हेडिंग ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट में क्लीन ओपिनियन के लिए आता ही नहीं था, ये हेडिंग सिर्फ आता था कौन से ओपिनियन के लिए, मॉडिफाइड के लिए, अब ये रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट में यह पैराग्राफ बनाया है, और ये पैराग्राफ हर ऑडिट रिपोर्ट में आएगा चाहे आप कोई सा भी ओपिनियन दो, मतलब दिस पैराग्राफ विल कम एज इट इज इन एवरी ऑडिट रिपोर्ट, चाहे वो क्लीन है चाहे वो मॉडिफाइड है। तो हेडिंग का नाम क्या है, बेसिस फॉर ओपिनियन, मतलब सर आप जो भी ओपिनियन देंगे उसका बेसिस क्या है, हाउ डिड यू अराइव एट दिस ओपिनियन, ये आपको लिख के देना पड़ेगा। कुछ याद है क्या, एनीवन, क्या आएगा इसमें थोड़ा बहुत,
आईसीए ऐसे आंसर लिख देगा 1 मार्क। प्रॉब्लम यही है, मेरा बात सुनो बार बार, मैं जब वापस मैं आपका क्रिटिक नहीं हूँ, मुझे आपको बुरा नहीं फील करवाना, मेरा ऑब्जेक्टिव है तुम्हें बताना वेर यू गो रॉन्ग। समटाइम्स वेन यू अंडरस्टैंड यू स्टिल गो रॉन्ग, दिस इज वाई 90% आर नॉट एबल टू क्रॉस द लाइन, लाइन आई एम टॉकिंग अबाउट बाय आईसीए। आपको ये समझना जरूरी है, जो वो बहुत स्पेसिफिक पूछ रहा है कि बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या आएगा, ये गलत है, ऐसा पूछना ही नहीं चाहिए, आई एग्री विथ यू। इससे वो क्या टेस्ट करे मेरे को नहीं पता, बट अभी हम उस आर्ग्यूमेंट में जाएंगे नहीं। कोर्स तुमने चूज किया है, समझ रहे हो मेरा बात, सिंपल फंड है, तुमको किसी ने हाथ पकड़ के जबरदस्ती बोला नहीं था साइन करने के लिए, यू हैव चोजन दिस, यू हैव टू पास, योर ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, सो लुक फॉर अ सॉल्यूशन, डोंट क्रिब अबाउट इट। सो नाउ इफ दे आस्क मी अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या आएगा, स्पेसिफिक 4 पॉइंट है, उसके अलावा कुछ भी लिख, 0। एनीथिंग कनेक्टेड थोड़ा बहुत की ये, जैसे बच्चे ने बोला, 1 नंबर मिल जाएगा। अब अगर ऐसे एक क्वेश्चन के अंदर आउट ऑफ 4 आई जस्ट गेट 1, दैट मींस मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जो अच्छा एसेज है उधर स्ट्रगल करेगा, ऐसा करेगा तो देर आर एसेज लाइक 320, उधर तो पक्का स्ट्रगल करेगा, क्योंकि मटेरियलिटी में तो बहुत सारा लिखा है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, पहले जेन्युइनली, व्हेन आई से पहले मतलब आज के 6 साल पहले, आप 100 क्वेश्चन पढ़ो, उनको याद करके जाओ, उधर से पेपर आएगा। अब अगर मैं ऐसा क्वेश्चन बनाऊं, कम से कम 500 पेज के क्वेश्चन हो जाएंगे, इट इज एज गुड एज सब याद ही करने का है। तो कोई क्वेश्चन पे जाने का फायदा नहीं है, आपको हर एरिया पे जाना पड़ेगा। 700 व्हाट कैन दे आस्क, इफ दे आस्क मी सच क्वेश्चंस, देयर आर गोइंग टू बी सम लॉजिकल क्वेश्चंस। अभी ओपिनियन हेडिंग में क्या आएगा, लॉजिकल था कि भाई अगर मैंने ओपिनियन पढ़ा होगा 2 बार तो आंसर 2 मिनट में आ जाएगा, अगर मैंने ओपिनियन कभी देखा ही नहीं है तो आंसर नहीं आएगा। Are you understanding my point? So thought process change करो कि वो पूछेगा क्या और मुझे उतना ही लिखने का है। मेरे को जनरल कब लिखना है जब मेरे को आंसर नहीं आता है। तुम्हारा प्रॉब्लम ये है, तुम हर क्वेश्चन में जनरल लिखोगे, वैसे भी थियरी में मार्क्स मिलना मुश्किल है, उस जनरल के अंदर उसका जजमेंट और मुश्किल है। एंड ये पता है क्यों हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली पीपल वेंट अगेंस्ट आईसीए, तो मार्क्स नहीं देते, तो आईसीए ने बोला मैं क्वेश्चन यही पूछूंगा जिसके लिए तुम मेरे से आर्ग्यू ही नहीं कर सकते हो। I'll tell you why. Come here. अब अगर मैं बोलता हूं आपको ओपिनियन हेडिंग में क्या आएगा, अब ओपिनियन में क्लियर है, फर्स्ट पैराग्राफ में यही आता है, तू ये मत लिख, यू कांट फाइट विद मी इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तेरे को मार्क्स क्यों नहीं दिया। सिमिलरली बेसिस फॉर ओपिनियन, सेम प्रॉपर ऐसे 4 पॉइंट है, यू डोंट राइट देम यू विल नॉट गेट मार्क्स। तो जहां पे जनरल दिमाग का एप्लीकेशन था वो पूछना बंद ही कर दिया, क्योंकि उधर लोग फाइट करने आ जाएंगे। Are you understanding my point? इसीलिए वो 56 मार्क खराब हो गया है। Are you understanding? वो 56 मार्क में सब स्पेसिफिक है, अलग अलग कॉर्नर से, मेरे को पता होना चाहिए किस किस कॉर्नर से क्या क्या पूछता है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग का फायदा किधर है आपको मालूम है, एमसीक्यू 30 मार्क, करेक्टिंग करेक्ट 14, दिस इज योर 44, दिस इज वेयर अंडरस्टैंडिंग विल कम। बच्चा 56 मार्क बाय डिफॉल्ट मान के चलो, स्पेसिफिक क्वेश्चन सब के सब, ये अजम्पशन के साथ जाना चाहिए। इफ यू गो विद दिस अजम्पशन यू विल बी हैप्पी, योर ब्रेन विल नो आई हैव टू राइट ओनली स्पेसिफिक आंसर, जनरल राइटिंग विल नॉट फेच मी मार्क्स। इज दैट क्लियर टू यू, कीप दिस इन माइंड। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन, बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या आएगा, सुनना मेरा बात, ओपिनियन बनाने वाले ने क्या सोचा, पहले वो एक्सप्लेन करता हूं फिर आपका आंसर। हमने बोला अपने क्लीन ओपिनियन दिया, एक बात बताओ ओपिनियन तक आने से पहले क्या मैंने ऑडिट करना चाहिए था एज पर एसेस, आई शुड फुलफिल माई रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट मैंने ऑडिट करना चाहिए था एज पर एसेस, तब जाके मैं बोल पाऊंगा ना मेरा ये ओपिनियन है। मेरे ओपिनियन का बेसिस पहला यही होता है दैट आई शुड कंडक्ट माई ऑडिट, एंड हाउ शुड आई कंडक्ट माई ऑडिट, एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो इधर पहला पॉइंट यही आएगा कि ऑडिटर ने ऑडिट कंडक्ट किया है इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इज दैट क्लियर टू यू। अच्छा, मेरी ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है
ऑडिट रिपोर्ट में एक पैराग्राफ में आती है, उस पैराग्राफ का नाम होता है ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। क्या होता है? ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। इधर वो बोलेगा कि भाई मैंने ऑडिट किया है एज पर एसेस, तुझे मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिटेल में जाननी है तो उसके लिए एक अलग हेडिंग में जाना पड़ेगा। ये आंसर लिखने वाले ने आईसीआई के बारे में नहीं सोचा, उसने यूजर के बारे में सोचा कि इफ अ यूजर इज रीडिंग द रिपोर्ट, यूजर शुड नो आई कंडक्टेड द ऑडिट एज पर एसेस। यू वॉन्ट टू रीड मोर अबाउट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, गो टू अ पैराग्राफ। और पैराग्राफ ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, तो मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा। मेरी ज्यादा डिटेल्स कहां मिलने वाली है रेस्पॉन्सिबिलिटी की? ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में मिलेगी। बराबर है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, ओपिनियन तक आने से पहले वॉट काइंड ऑफ ऑडिट एविडेंस यू नीड? Sufficient and appropriate audit evidence. तो हमें बोलना चाहिए ना, हमने opinion तक आने से पहले हमें लगता है sufficient and appropriate audit evidence obtain किया है, वो मुझे मिला है इसलिए clean दिया है। अरे वो मुझे मिला है evidence इसलिए मैंने क्या दिया है? Clean दिया है। अगर वो मेरे को नहीं मिला होता तो मैं clean तक कैसे आता था? कहने से मेरे को modification देना पड़ता। अरे हाँ या ना, ये third point है। वो एक ही paragraph में चार sentences है। Fourth sentence क्या है? मैं independent हूं एंड एथिकल हूं, बट कैसा? कहना इसे ये एथिकल रिक्वायरमेंट्स कहीं डिफाइंड होगी, ये एथिकल रिक्वायरमेंट्स कहीं डिफाइंड होगी। थोड़ा सोचो, लॉ के अंदर सेक्शन 141, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, बराबर है कि नहीं है? एथिक्स कहां पर है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में है। तो आईसीआई का जो कोड ऑफ एथिक्स है, कंपनीज एक्ट का जो प्रोविजन है, उन सब के हिसाब से जो जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स है वो सब मैंने कंप्लाई किया है। एंड आई एम राइटिंग इट टू यू, मैं लिख के बोल रहा हूं कि मैंने ओपिनियन तक आने से पहले इंश्योर किया है कि मैं कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हूं, एथिकल हूं, ये सब कुछ कंप्लाई किया है और फिर मैंने ओपिनियन दिया है। दिस इज द बेसिस फॉर माई ओपिनियन। इफ यू डोंट राइट ऑल दिस, You get one mark. That is like complimentary. बात समझ में आया है क्या? हर चीज पढ़ते वक्त मैं आपको genuinely बोल रहा हूं, assume कर लो you need to become an expert in the subject, then only you will be able to clear. एक बात और, intermediate में जो आप पढ़ रहे हो, same expectation final में है, same standards with other standards जो बचे हुए हैं, मिला के वेटेज 60 marks है। मतलब इधर का 50 और उधर का 60, 110 तो तुमको जिंदगी में लिखना ही पड़ेगा सीए बनने से पहले। इज दैट क्लियर टू यू? अप्रोच आज चेंज कर लो तो फायदा होगा इन बोथ द एग्जाम्स, क्योंकि अभी चेंज नहीं करोगे बाय फ्लूक पास हो जाओगे, उधर तो और मुश्किल है। इज दैट क्लियर टू यू? आओ लेट मी शो यू द आंसर। बेसिस फॉर ओपिनियन, देखो मेरे साथ में, बेसिस फॉर ओपिनियन में आना चाहिए दैट ऑडिट वॉज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एसेस। हमने हमारे ऑडिट रिपोर्ट में उस सेक्शन का रेफरेंस देना है जहां पर हमने क्या लिखी होगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक स्टेटमेंट लिखना है कि ऑडिटर क्या है, इंडिपेंडेंट है इन अकॉर्डेंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एंड हमने फुलफिल किया है ऑल अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच इज रिक्वायर्ड एज पर दीज रिक्वायरमेंट्स। अब ये आईसीआई की रिक्वायरमेंट है, कंपनीज एक्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट है, किधर भी है, मैंने फुलफिल किया है। नेक्स्ट, ऑडिटर बिलीव्स दैट दे हैव ऑब्टेन्ड सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ताकि वो अपना ओपिनियन क्या कर पाए, बेस कर पाए। इसीलिए हेडिंग क्या बना है, बेसिस फॉर ओपिनियन। समझा क्या? ये चार पॉइंट लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। स्पेसिफिक क्वेश्चंस जानबूझ के पढ़ा रहा हूं, दे आर द डेंजरस वंस, वरना 700 में इजी लगेगा, कुछ लगेगा ही नहीं, कुछ एग्जिस्ट करता है। और जब तक ये नहीं सोचोगे समझ में नहीं आएगा। क्या आपको ये चारों पॉइंट थोड़े समझ में आए क्या? आइए लेट मी शो यू दैट पैराग्राफ इन द एग्जांपल। स्पेंड 2 मिनट्स, आई एम गोइंग टू द ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट इन 700। कैन यू सी ए हेडिंग बेसिस फॉर ओपिनियन? आप एक काम कीजिए, पूरा पैराग्राफ पढ़िए, आपको लिटरली लगेगा उसने पैराग्राफ भी उठाया, चार टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, एज गुड एज पैराग्राफ लिखने के लिए बोल दिया। पढ़ के देखिए पेज नंबर 1F.14।
सेम चीज लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल उसी को उसने बस पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, कुछ भी नहीं है वो। ये टफेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन फाइनल में कम से कम 4-5 बार रहे, इंटर के अंदर सेम एटलीस्ट 3 बार रिपीट हुआ है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू नीड टू हैव द राइट अप्रोच, दैट्स इट। अब इसमें ना आर्ग्यू मत करो ऐसा क्यों है, ऐसे क्वेश्चन का ऐसा आंसर आना पड़ता है, बात खत्म। समझ में आया क्या? क्योंकि अभी आर्ग्यूमेंट करने का टाइम नहीं अपने पास में। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छा सुनो, अब एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है जो मेरे को लगता है परेशान। एमसीक्यू के लिए कुछ और नहीं करना होता, कोई बोलता है ना प्रैक्टिस, कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, लाइव डायरेक्टली बोल रहा हूं तुमको मैं, बकवास है। बिकॉज मुझे एक बात तो, तूने 500 प्रैक्टिस किया, क्या गारंटी सेम क्वेश्चन आएगा? पक्का अलग ही आएगा, मैं लिख के बोलता हूं। और हमको तो आज तक ऑफिशियली एक्सेस मिला ही नहीं है, ऑफिशियली बराबर है कि नहीं? अभी लोग क्या करते हैं, डिफरेंट स्टोरी। मैंने तो जेन्युइनली नहीं देखा आज तक पेपर, 11 साल हो गया नहीं देखा है। नहीं है तो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट के लिए कुछ नहीं करना है, पूरा सिलेबस ढंग से पढ़ना है। ढंग से मतलब ढंग से, डोंट अप्लाई एनी शॉर्टकट। यू सॉल्व द क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन सैंपल के लिए सॉल्व करो, ये देखने के लिए मेरे को पढ़ने में कितना टाइम लगता है। मतलब वेराइटी शुड नॉट बी योर ऑब्जेक्टिव, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, यू कवर द सिलेबस, 44 मार्क पूरा का पूरा तेरे को आएगा। लिख के बोलता हूं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मॉड्यूल में से बनता है, सेंटेंस मॉड्यूल का होता है। क्योंकि आईसीए को डर लगता है कुछ भी अलग हुआ विल फाइल अ केस। पूरा पेपर लाइन बाय लाइन मॉड्यूल से है। ऐसे मॉड्यूल मतलब मैंने खुद ने वही उठाया, बस स्ट्रक्चरिंग चेंज कर दिया, समरी से अपने सबसे बना दिया और कुछ भी नहीं है, है सब सेम ही। हम अलग लिख ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। कुछ अलग लिखेंगे तुम वो लिखने के लिए जाओगे, लग जाएगी, बराबर है कि नहीं है? तो सिंपल चीज, कुछ दिमाग लगाना मत, हर चीज ढंग से पढ़ना सुनना, हर चीज कह रहा हूं सोचना वो क्वेश्चन क्या बना सकता है, एमसीक्यू क्या बनाएगा वो। इस बार तेरा मॉडिफाइड ओपिनियन है, कौन सा ओपिनियन है? मॉडिफाइड। बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या आएगा? इफ देयर इज अ मॉडिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या आएगा? अब ऐसी सिचुएशन बनाएगा और 4 ऑप्शन घटिया वाले लिखेगा। मैं बोलता हूं ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, अगर मेरे दिमाग में क्लैरिटी है ना तो ऑप्शन कुछ भी हो, ट्रस्ट मी, उनके आधे ऑप्शन बकवास होते हैं, क्योंकि उनको सही आंसर ऑलरेडी पता है, वो उसके अलावा बाकी 3 बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो सिचुएशन क्लियर है कि अगर मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा तो भी ये पैराग्राफ आएगा, बट ये पैराग्राफ के साथ में एक पैराग्राफ और आएगा, ये एज इट इज आएगा और मॉडिफिकेशन का रीजन दूसरे पैराग्राफ में आएगा। लेट मी शो यू एन एग्जांपल, 705 मॉडिफिकेशन, इसके लास्ट में कुछ एग्जांपल्स रहेंगे, कोई भी एग्जांपल, इलस्ट्रेशन 1, पेज नंबर 1F.32, 1F.32, इलस्ट्रेशन 1, कैन यू सी बेसिस फॉर क्वालिफाइड, आर देयर 2 पैराग्राफ्स, वहां पर एक ही था, यहां पर 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पैराग्राफ नंबर 2 देखो पहले, वर्ड बाय वर्ड सेम लग रहा है क्या? सब सेम है कि नहीं है? बस कंफ्यूजन ये नहीं होना, इसीलिए एग्जाम्पल देख के जाओ। इफ यू डू दैट लेट देम आस्क इन एनी वे, कुछ गलत नहीं। इधर देख, अगर तेरे को पता है ये सब सेम है, मतलब कहना इसको ओवरऑल पैराग्राफ में अलग क्या आ सकता है? अभी रीजन फॉर मॉडिफिकेशन ही आ सकता है ना, अरे उसमें क्या आ सकता है? रीजन फॉर मॉडिफिकेशन, तूने जो भी गलती ढूंढी होगी जिस वजह से तुझे क्लीन ओपिनियन नहीं दिया है उसका रीजन ही आने वाला, और कुछ भी नहीं आएगा। इधर बताएगा हमें कोई गलती मिली होगी, हमें लगता है कंपनी ने इन्वेंट्रीज are carried in their balance sheet, they have not stated the inventory at lower of cost or NRV, khatam baat, yehi example tere ko maine diya tha abhi, aapko sach ek baat bolu kya, agar bachcha sincere ho sare example dekh ke jaye, not exaggerating, inter level pe even jo case study based question hote hain wo bhi repeated hote hain, kahin na kahin wo example likha hota hai wahi uthata hai wahi banata hai, kyunki wo surprise chahta hi nahi hai, सच्ची बोल रहा हूं, चाहता ही नहीं, उन्हें भी डर लगता है। मत मानो मेरा बात, आई एम बीइंग ऑनेस्ट ब्लंट, बिकॉज तुमको सही में मजाक लग रहा है, इतना वास्ट है सब्जेक्ट, इनकी बस प्रॉब्लम एक ही है, इन्होंने बस एक ही गलती ठीक कर देना चाहिए प्रॉब्लम 5 साल के बाद। देयर इज नो पॉइंट टीचिंग बैंक ऑडिट, होटल सिनेमा हॉल, घटिया इनका आंसर, ऑडिट शुड बी ऑडिट, जैसे फाइनली इतने सालों के बाद अकाउंट्स में समझ में आया अकाउंटिंग साइंस पढ़ाना होता है, इसलिए बोला ऑल एएस।
आफ्टर सम ईयर्स दे रियलाइज, बराबर है कि नहीं है? लिख के बोलता हूं अगला न्यू सिलेबस, यू माइट बी थिंकिंग अमेरिकन, आई एम नॉट, ऑडिट ऑल एसेस खत्म, क्योंकि उतना सिखाया है तो जिंदगी में उसको समझ ही जाएगा ना क्या करने का है, इट शुड बी दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट दिमाग का कचरा क्यों हो जाता है यार, इसमें से आएगा कि नहीं आएगा, कितना पढ़ लू, कहीं को पढ़ लू फालतू में, अल्टीमेटली पूछेगा तो ऑडिट ऑफ आइटम्स इसमें से आ गया, फिर मैंने चार रील बना दिया, किसी और ने चार रील बना दिया, तेरा दिमाग और खराब हो गया। इट्स अ मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स राइट, एंड यू फॉरगेट द बेसिक कि मेरे को पढ़ना क्या था, कुछ नहीं, स्टैंडर्ड्स, दैट्स इट। आई एम नॉट ट्राइंग टू थोपोफाई माई आइडियोलॉजी, आई एम बींग ऑनेस्ट, जो है वो है, तेरे को एक्चुअल क्वेश्चन दिखा दूंगा, यही एग्जाम क्वेश्चन है, तो इंटर में लिख ले, फाइनल में लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर सेम। समझा क्या मतलब? इधर दो पैराग्राफ आएगा, एक पैराग्राफ सेम, दिस पार्ट विल बी सेम, दिस पार्ट विल बी रीजन फॉर मॉडिफिकेशन, खत्म हो गया। कौन सा हेडिंग? बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग इज ओवर, मतलब मेरे को ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते वक्त क्या सोचना है, कौन से हेडिंग पे क्या पूछ सकता है। वापस से, कैन आई गो बैक टू द रिपोर्ट नाउ, कैन आई गो बैक टू द रिपोर्ट, डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? रिपोर्ट के अंदर वापस जाते हैं, टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, समझा? इसके बाद बेसिस फॉर ओपिनियन, इसमें दो पैराग्राफ भी आ सकते हैं, क्लीन हुआ तो एक ही आएगा, मॉडिफाइड हुआ तो इसके साथ में एक पैराग्राफ और आएगा। इज दैट क्लियर टू यू? अभी कैम क्या होता है नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि 701 अलग से पढ़ाऊंगा, की ऑडिट मैटर अपने आप हो जाएगा, ईओएम पढ़ाऊंगा, 706 भी हो जाएगा, ये अलग अलग पैराग्राफ्स। इधर 700 में दिमाग लगा, 700 में इनका आंसर ही नहीं मिलेगा, इनका आंसर कहां मिलेगा? रेस्पेक्टिव एसे के अंदर। तो आज उसके ऊपर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? मेरे हिसाब से एक ही चीज और पढ़ने लायक है, वो है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, बट ऑनेस्टली इट्स अ समरी ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट एसेज। तो लेट मी फिनिश ऑल दी एसेज, उसके बाद हम इधर आएंगे, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ खोलेंगे, लाइन बाय लाइन देखेंगे, ऐसा लगेगा 12-13 अच्छे एसेज हैं, उनका एक एक लाइन लिख करके एक पैराग्राफ बना दिया है। This entire paragraph is nothing but summary, not even summary. Summary is also joke. A line. Auditor should identify and assess risk of material misstatement. This is one sentence of 315, part of this paragraph. So this paragraph of auditor's responsibility I will teach you, but this is made up of all the essays. इसके अलावा एक ही question जो मेरे को लगता है परेशान करने के लिए 700 में पूछ सकता है, worst question है according to me, but बहुत बार पूछा है इंटर में। सुनो क्वेश्चन क्या है, What are the specific evaluations? What are the specific evaluations to be kept in mind or conducted before expressing your opinion? Opinion देने से पहले क्या क्या चीज तुमने चेक करना चाहिए, पूरा ऑडिट ही करना चाहिए। नॉर्मली इंसान का फर्स्ट रिस्पॉन्स ये आएगा, बराबर है कि नहीं आइडियली, बट कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स के अंदर कॉर्नर में उन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड जब लिखा ना उस इंसान ने, वो बहुत अच्छा सोच रहा था, लास्ट में कहीं तो एक हेडिंग रह गया जिसमें 5-6 पॉइंट मिल गए, आईसीए ने वो क्वेश्चन बना लिया और वही क्वेश्चन को कंट्रोल सी कंट्रोल भी करके 10 साल से रिपीट किया। वो क्वेश्चन इधर मिलेगा आपको, मैं हमेशा लास्ट में ऐसे नोट्स बना देता हूं जहां मेरे को लगता है प्रॉब्लम आ सकता है, ट्रबल आ सकता है। देयर इज अ नोट नंबर 2 ऑन पेज नंबर 1F.10 1F.10, there is a note. The note is called as specific evaluations by the auditor. Answer padoge na, ekdam time pass lagega. Dekho, sir, auditor shall evaluate. Kya kya check karna chahiye? Whether financial statements adequately disclose all significant accounting policies. Matlab financial statement mein significant accounting policies aane chahiye. Kahan par aate hain? Notes to accounts mein aate hain. कहां पर आते हैं? नोट्स टू अकाउंट, और डिस्क्लोजर आना चाहिए देखने का। ओके, नेक्स्ट, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आपने सेलेक्ट किए एंड अप्लाई किए, दे आर कंसिस्टेंट विद व्हाट सर? एप्लीकेबल एफआरएफ। ऑब्वियसली इफ दे आर नॉट कंसिस्टेंट विद एप्लीकेबल एफआरएफ, इट्स अ मिसस्टेटमेंट। अरे इन्वेंटरी का वैल्यूएशन, AS 10 सब कुछ कंप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वही पॉइंट नंबर 2 में लिखा है। जो भी आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होंगे, क्या होंगे आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, मतलब प्रोविजंस, आपके जो भी प्रोविजंस बनेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर वारंटी एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर पेंडिंग लिटिगेशंस, जितने भी एस्टिमेट्स हैं, मतलब प्रोविजंस है, वो क्या होने चाहिए? रीजनेबल, मतलब फेयर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए इधर ऑब्लिगेशन, AS 29 पढ़ के आए होंगे, ऑब्लिगेशन आने वाला है 50 लाख का, प्रोविजन बना है 25 लाख रुपए का, क्या ना इसे प्रोविजन आपने अंडरस्टेट कर दिया है,
हमने जानबूझ के अमाउंट कम दिखाया है, प्रोविजन का अमाउंट कम हो गया तो प्रॉफिट का नंबर बढ़ गया है. कैन आई कॉल दिस एज अ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स? यस. तो अकाउंटिंग एस्टिमेट शुड बी रीजनेबल. नेक्स्ट देखो, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने प्रेजेंट की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो रेलेवेंट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, अंडरस्टैंड. ऑब्वियसली यार ये ना एक जनरल गाइडलाइन था कि भाई ऑडिट करने वाले को ध्यान रखने का है, पर आईसीए को लगा मस्ट 6-7 पॉइंट है. इधर क्वेश्चन पूछेंगे 4 मार्क के लिए, बच्चे ने 4 पॉइंट इधर से मैचिंग किया तो मार्क्स देने का 1, 2, 3, 4, नहीं मैच हुआ 0. तू सोचेगा इधर तो पूरा ऑडिट का समरी लिखने का है, क्योंकि उसने क्या पूछा, क्या क्या चीज दिमाग में रखेगा ऑडिट करते वक्त. वो क्वेश्चन ही अपने आप में गलत है, बट हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा क्वेश्चन है. नीचे देखो नेक्स्ट मस्त है. क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सब डिस्क्लोजर दिए हैं ताकि मेरे यूजर्स को वो सब इंफॉर्मेशन समझ में आए जो जो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हुए. एक एग्जांपल सोचो, कंपनी ने करंट ईयर के अंदर पहली बार रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया. क्या किया पहली बार रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अमाउंट इन्वॉल्व बढ़ा है, नोट्स अकाउंट्स में डिस्क्लोजर दे दू. अरे बराबर है कि नहीं है? आपके नोट्स अकाउंट्स वैसे भी रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर आता है, बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? ऑल रिलेटेड पार्टीज, उनसे क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए ये आपने बताया तो मेरे यूजर को समझ में आ जाएगा क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए और उसका इफेक्ट क्या आया है, वो चेक करना चाहिए. नेक्स्ट देखो, द टर्मिनोलॉजी, जो आपने लैंग्वेज यूज किया है, जो टर्म्स यूज किए पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो क्या होने चाहिए? अप्रोप्रिएट. मतलब बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, क्या ना इसे वही टर्म्स यूज करो ना जो अलाउड है, अपने हिसाब से कोई और वर्ड्स थोड़ी यूज कर सकते हो. ये जनरल सी चीजें हैं, ये आपको इवैल्यूएट करनी होती है. अब ऐसे क्वेश्चन के लिए कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन ही पता होना चाहिए. तो इसीलिए कुछ कुछ क्वेश्चन ढूंढने का, उसका लिस्ट बना लेने का कि भाई 700 में सब लॉजिकल था, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिधर कोई लॉजिक नहीं होगा. स्पेसिफिक इवैल्यूएशन बाय द ऑडिटर, ये अभी जनरल सा पॉइंट है बट वो आपसे पूछ सकता है. ये कुछ ट्रबलिंग क्वेश्चन रहेंगे, ट्रस्ट मी एक अच्छा चीज है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम हुए हैं क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने एज पर स्टैंडर्ड लिखना शुरू कर दिया ना चैप्टर को, ऐसे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए, बहुत सारे डिलीट हो गए लिटरली. मतलब मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, बहुत डिलीट हो गए. पहले बहुत ज्यादा थे, एक लिस्ट बना के 50 क्वेश्चन हो जाते थे, अब नए सिलेबस में 10 भी नहीं होंगे. दे हैव रीच्ड टू सच अ लेवल, मतलब 10 में से प्रोबेबिलिटी 1 आ सकता है. ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस स्पेसिफिक इवैल्यूएशन? ये जरूर मेरे को आना चाहिए. 700 में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले टाइप्स ऑफ ओपिनियन, कौन कौन सा, मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड. मॉडिफाइड कब कब आएगा? 705 में, कल वापस से बताएंगे भी आपको. सर इसके अंदर हमने पढ़ा ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट, सबसे पहले टाइटल, दिस वी नो. सर वो हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? ओपिनियन हेडिंग में क्या आ सकता है? दो पैराग्राफ आते हैं सर. इंट्रोडक्शन, हमने किस कंपनी का ऑडिट किया, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या ऑडिट किया, कौन सा पीरियड कवर हुआ. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी हर एक एलिमेंट बताना कि बैलेंस शीट आता है, पीएनएल आता है, नोट्स टू अकाउंट्स आता है, बराबर है कि नहीं है. फिर एक स्टेटमेंट, हमने ऑडिट किया है, ये स्टेटमेंट भी आएगा. एंड लास्ट में हमारा क्या आएगा? ओपिनियन आएगा. इज दैट क्लियर टू यू? फिर आता है एक हेडिंग, बेसिस फॉर ओपिनियन. बेसिस फॉर ओपिनियन क्लीन रिपोर्ट में भी आता है. चार चीजें आएगी, वी कंडक्टेड द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस. नंबर टू, हम एज अ ऑडिटर इंडिपेंडेंट है एंड वी हैव कंप्लाइड विद ऑल एप्लीकेबल एथिकल रिक्वायरमेंट्स. नंबर थ्री, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिटेल में जाननी है तो उसके लिए आपको कौन सा पैराग्राफ में जाना पड़ेगा? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में जाना पड़ेगा. एंड द लास्ट वन, हमें लगता है, वी बिलीव, कि हमने ओपिनियन तक आने के लिए जो भी एविडेंसेस ऑब्टेन किए हैं वो क्या है? सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट है. ये चारों चीजें हमारे बेसिस फॉर ओपिनियन में आनी चाहिए. एंड सेकेंड पैराग्राफ आ सकता है अगर ये कौन सा ओपिनियन हुआ? मॉडिफाइड. तो हेडिंग बन जाएगा बेसिस फॉर मॉडिफाइड और दो पैराग्राफ आएंगे. जनरली पहले पैराग्राफ में मॉडिफिकेशन आता है एंड दूसरे वाले में जनरल कंटेंट आता है जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया. इज दैट क्लियर टू यू? देखो आज थोड़ा हमारा पहला 20-25 मिनट इंट्रोडक्शन में चले गया. कल से होपफुली मेरा टारगेट है एवरी डे 1 essay वी शुड बी एबल टू क्लियरली कवर इन डिटेल. कुछ कुछ ऐसे छोटे रहेंगे, जल्दी हो जाएंगे, जैसे 701 वगैरह है तो हम दूसरे ऐसे के साथ में उसको कनेक्ट भी करेंगे. पहले हम रिपोर्टिंग वाला पार्ट खत्म करेंगे, फिर मैं डायरेक्टली 300 वाले पार्ट पे जाऊंगा, दैट इज द प्लानिंग वाला पार्ट. अभी गुड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस सीक्वेंस समझ में आ गया होगा, यही हमारा अप्रोच रहेगा. अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज ऐसा मत समझो मैं तुम्हारा चैट देख रहा है, पर मेरे एक बात समझो, तुम में से कुछ कुछ लोग ना बहुत जनरल चीज पूछ रहे हो. मुझे अप्रोच पता है, तुमने स्ट्रिक्टली ये फॉलो करना है, ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है,
कहीं डाउट रहेगा वो मैं पक्का देख करके एड्रेस कर देगा. आर वी गुड? थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम 4:30 PM. ठीक है, चलेगा? आपको फ्लो समझ में आ रहा है? आज से पहला ऐसे शुरुआत किया था, कल से मेजर हम पिकअप करना शुरू करेंगे. ठीक है गाइस, थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई विल सी यू टुमारो. हैव अ गुड डे, बाय बाय.